हिमी दसने बहु जीव बिचारी तात का बहु मोहि जानिया नाथा अरे कृपा भानु कुल नाथा तामस तनु कछु साधन नाही।
श्री निषाद राज की श्रृंग वीरपुर धाम की हर हर महादेव। मानस श्रृंग वीरपुर जिस प्रसंग का हम आश्रय कर रहे हैं, भगवान राम सियाजो सुमंत जी लक्ष्मण जी के संग कंद मूल फल का आहार करके फलाहार करके रघुवंश मणि ने इस कुश की सलाई मई साथरी पर शयन किया। श्री लक्ष्मण जी चरण सेवा कर रहे हैं। भगवान को जल्दी नींद आ गई। करीब करीब तुरंत सो गए। अब आप श्रृंगवीरपुर धाम श्री अवध धाम श्री जनकपुर धाम तुलना कीजिए प्रभु की निद्रा की। भगवान को श्रेष्ठ निद्रा यदि कहीं आई है तो इस भूमि में आई। न जनकपुर में प्रभु इतने आनंद से सो पाए, न श्री अयोध्या जी में सो पाए। चरण सेवा करने वाले चरण सेवा करते रहे और प्रभु जागते रहे। ये प्रसंग आया यहां कि सयन किन्ह रघुवंश मणि पाय पलोकत पाए। भूमि की विशेषता श्री गंगा जी का तट, गुह की खातिर एक कुश किसलयमयी सैया, ए राम शयन स्थान। क्या हुआ खबर नहीं, लेकिन जब तुलना में मानस का दर्शन करते हैं तो प्रभु यहां जल्दी सो गए, वो निर्विवाद। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौढ़े धरी उर पद जल जाते धरी पूरा पद जल जाते। ये शयन है जनकपुर का। जनकपुर में भगवान विश्वामित्र जी की चरण सेवा करके भगवान सोए और श्री लक्ष्मण जी चरण सेवा कर रहे हैं, तो भगवान निद्राधीन नहीं हुए, जाग रहे हैं, उसका प्रमाण है। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, बार बार लक्ष्मण जी को कहते हैं अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ। इसका मतलब यह है कि मुझे नींद नहीं आएगी, अभी मैं जागता रहूंगा, तू कब तक पैर दबाएगा, तू सो जा। क्या कारण है जनकपुर में इतना नहीं सो पाए, और ससुराल में ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। कुंभकर्ण तो नहीं कहेंगे ससुराल वाले, लेकिन
गुजराती में उनके लिए बहुत सुंदर सम्मानवाचक शब्द है जो मैं आपको नहीं कहूंगा। तो प्रभु नहीं सोए हैं, इसका एक प्रमाण है। पुनः एक बार, पुनि पुनि प्रभु कहो सो लक्ष्मण जी सो गए। परमात्मा के इस चरण कमल को हृदय में रख करके लक्ष्मण जी प्रभु के आदेश पर सो जाते हैं। प्रभु सोए नहीं, अथवा तो देर से सोए, जो हुआ हुआ, राम जाने। ये जनकपुर का शब्द। फिर ब्याह कर अयोध्या, चारों भाई ब्याह कर अवध आए। सम्मान हुआ, सब हुआ, सब हुआ। देर रात्रि महाराज दशरथ जी ने कह दिया कि ये सब बच्चे श्रमित है, उसको शयन कराओ। तो भगवान को सैया पर सुलाए, लेटाए। आज्ञा पुनि पुनि निज निज से शयन तिहकी, निज निज से अयोध्या में भी प्रभु ने अपने भाइयों को बार बार आज्ञा दी कि आप सो जाइए। और सब भाइयों ने, तीनों भाई अपने अपने शैया में शयन किया। सिद्ध होता है कि प्रभु वहां भी जल्दी सो नहीं पाए, न जनकपुर में न अवधपुर में। स्थान है संगवेरपुर, जहां प्रभु तुरंत सो गए। शयन किन रघुवां समानी। देखिए तो सही, एक कुश किशलई की साथरी में मणि पड़ा है। क्या रूपक दिया है, एक कुश किशलई साथरी है, दर्भ की ए पथारी जिसमें नई नई कुंपले किसलई बिछाए गए हैं, उसमें मणि है। जिसके पलंग पर मणि के दीप जलते थे अयोध्या के शयन में, पलंग मंजू मणि, एकदम मणिमय दीपक, जिसमें दीपक की, बाती की, तेल की किसी की जरूरत नहीं रहती, बुझने की, जलाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे मणियों के दीप रहते थे। आज रघुवंश मणि स्वयं उस बिछाने पर सोए हैं, तुरंत सो गए हैं। स्थान की महिमा, गंगा का तट, वो शिशुम पतरु, गुह का भाव, गुह की सेवा, जो हो, लेकिन प्रभु सो गए। लक्ष्मण जी ने बार बार देखा चरण चापते हुए कि आज प्रभु कुछ बोलते नहीं है, जल्दी सो गए हैं। उठे लखन प्रभु सोवत जान।
चिवही सोवन मृदु बाई। उठे लखन प्रभु सोवत जागी, कही सचिवही सोवन मृदु बाई। लक्ष्मण जी को जब पक्का हो गया कि प्रभु सो गए हैं, तब धीरे से उठे। और इधर देखा तो अयोध्या के रथ में श्री सुमंत जी जाग रहे हैं। सचिव है, जिम्मेवार व्यक्ति है। न सोचा था कभी कि जानकी को इस तरह सोना पड़ेगा। चिंता है, चिंतन है। एक गहरी चिंता में डूबे अयोध्या में भगवान राम, जिसको पिता तुल्य समझते थे, वो सुमंत नहीं सो पा रहे थे। आज मेरे पास एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि गुह के पास राम है, सुमंत जी के पास राम है, लक्ष्मण जी के पास राम है, फिर भी ये सभी लोग दुखी क्यों हैं? गुह के पास राम है, गुह आगे जाकर विषाद योग में डूबने वाला है। सुमंत अभी अभी चिंतित है ही। लक्ष्मण जी भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। इस तट पर तो लक्ष्मण जी परम ज्ञानी के रूप में उभरे हैं, परम सदगुरु के रूप में उसका स्वरूप निकला है। तो इस सबके पास परमात्मा साक्षात होते हुए ये लोग दुखी क्यों? अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखा। केवल गुह के पास, केवल सुमंत जी के पास राम है, ऐसा थोड़ा है। हम सबके पास राम है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन, परमात्मा सबके पास है। कौन परमात्मा के बिना है? सवाल इतना ही है नहीं पहचानने का कि या तो हम सोए हैं या तो हमारे भीतर बैठा परमात्मा केवल कुटस्थ है। हमारे एक भागवतकार की बोली में कहूं तो, हमारे नड़ियाद वाले एक शास्त्री जी की बोली में कहूं कि हृदय में बैठा हुआ परमात्मा भटकाता है, अटकाता नहीं। ब्राह्मयन सर्वभूत यंत्रारूढ़ानि माया। हृदय में तो सबके हृदय में बैठा है, इनके बिना तो, इनकी सत्ता बिना तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पाप करने देता है, पुण्य करने कहीं अटकाता नहीं। जो करो करो, तो मैं बैठा हूं। अटकाता बिल्कुल नहीं, भटकाता जरूर है। ऐसा परमात्मा जब साधक को जागृति में, ठीक से जानकारी में आ जाए, तभी दुख की पूर्णतः संपूर्ण निवृत्ति होती है। है तो सबके पास, बाकी तो दुख रहेगा, लेकिन उस परमात्मा का अनुभव पूर्ण रूपेण जब किसी को हो जाता है, तब बिल्कुल दुख से निवृत्ति हो जाती है। तब कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं। गुह माधुर्य भाव में डूब जाता है आदमी, बार बार डूब जाता है, इसलिए उसको विषाद हो जाता है। ये भूमिश है।
पूर्ण रूपेण जिसको जागृति में अनुभव हो, स्वामी जी शुद्ध शब्द का प्रयोग, इस पर मैं मजबूर हो जाता हूं सोचने पर। जान आवरी कर दी ना महामंत्र है वह, महाकाव्य तो है ही, महामंत्र की छाया में सब कुछ है, लेकिन है महामंत्र। ऐसे चलो तो महामंत्र, ऐसे चलो तो साबर मंत्र। अद्भुत जीवन को जिसको धन्य बनाना है उसके लिए रामचरित मानस पर्याप्त है। इसका मतलब यह नहीं कि और ग्रंथ अपर्याप्त है, सभी ग्रंथ, लेकिन इतना सरल और सहज कौन ग्रंथ। ये तो मां का दूध है, जैसे बच्चे को पच जाता है, मां का निज जननी का ये दूध है, न बोतल का है न बकरी का है न कोई सौतन का है न कोई कागज की पुड़िया में बिकता हुआ है या तो न कोई प्लास्टिक की दूध है। ये तो मां का दूध है, नगद दूध है, पच जाता है। अनंत उपकार है मेरे गोस्वामी जी के विश्व, ऋणी रहेगा जगत। कुछ लोगों को सबकी कक्षा होती है ना भाई, सब अपने अपने ढंग से देखते हैं, सब ठीक है। तो ये महामंत्र है बाप, महाकाव्य मात्र नहीं है। परमात्मा किसको मिला हुआ नहीं है, रामचरितमानस ने स्पष्ट जवाब दिया। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन। ऐसा कोई अभागा नहीं विश्व में जिसको परमात्मा ने अपना न बनाया हो, प्रभु जिसको मिला न हो। हर एक को परमात्मा प्राप्त है। गुह को और सुमंत जी को प्राप्त है और दुखी है, ऐसी बात नहीं, हम सबको प्राप्त है, फिर भी हम सब दुखी हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है या तो हम सोए हैं या तो वो कुटस्थ तटस्थ बैठा है, भटकाने वाला है, अटकाने वाला नहीं है, यही कारण है, वरना दुख की पूर्णतः निवृत्ति हो जाती जो जान लेता है इस तरह। अब सब में परमात्मा है, वासुदेव सर्वम इति। प्रश्न तो यहां तक रुका है, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। अब परमात्मा जानने में आ गया, ऐसी व्यक्ति की निशानी क्या? बैठा हुआ परमात्मा भीतर भी जाग गया, खुद भी जाग गया, खुद और खुदा दोनों जागे जिसके जीवन में। ऐसे परमात्मा प्राप्त, इस तरह परमात्मा प्राप्त, जैसे शंकराचार्य भगवान, जैसे रामानुज भगवान, जैसे रामानंद भगवान, जैसे निम्बार्काचार्य भगवान, जैसे वल्लभाचार्य भगवान, गुरु नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, नरसिंह मेहतो, वो जो परमात्मा प्राप्त व्यक्ति हैं ये सब। हम इतने बैठे, इनमें से भी किसी को हो सकता है परमात्मा प्राप्त है, तो सबके पास, लेकिन मैं जिस रूप में कह रहा हूं कि उनके लक्षण क्या है। गुह के पास परमात्मा है, सुमंत के पास परमात्मा है, फिर भी वो परमात्मा प्राप्त इतने नहीं अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा प्राप्त के जो लक्षण होने चाहिए वो लक्षण इन पात्रों में दिखाई नहीं देते हैं। किसी भी भाई बहन को, किसी भी व्यक्ति को, परमात्मा प्राप्त व्यक्ति है ये, उसकी कसौटी क्या,
उसका प्रमाण क्या। हम तो किसी को भी कह देते भाई एने तो साक्षात्कार थी गए खाक उसको तो अनुभव हो गया है, उसको तो परमात्मा का अपरोक्ष अनुभूति हो चुकी है, हुई थी भगवान शंकराचार्य को अपरोक्षानुभूति, उन्हीं का ग्रंथ है। लेकिन जब हम संसार में हैं कभी कभी शब्द लगा देते भाई वो ये तो गुजराती में लोगों को पामी गया से शू पामी गया पामोलिन तेल तली तली फरार करो क्या पाया। ईश्वर प्राप्त व्यक्ति की कुछ निशान आए, मैं बिल्कुल खोल कर कहना चाहूंगा मेरे भाई बहन, मैं और आप कहीं धोखे में परमात्मा प्राप्त है सब में। मैं फिर वो पंक्ति दोहराऊंगा, सब में उसी का तुमसे लेकर सब में उसी का कौन है अपना कौन पराया, सबको कर पर नाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर पर नाम तुझको अल्लाह रखे। सिया राम मैं सब जग जान गाइए राम मैं सब जग सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करौ प्रणाम जोर जुग पानी करौ प्रणाम जोर जुग पानी, क्योंकि सब में उसी का मूल समाया, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया, सब में नूर समाया, अब कौन है अपना कौन पराया, सबको कर पर नाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर पर नाम तुझको अल्लाह रखे। वाहे गुरु 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 गुरु आए 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 गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी का खालसा। जिसको प्रभु मिला है उसकी निशानियां क्या है, कौन लक्षण है, कोई गणवेश है उनका कि भाल पूरे भाल में तिलक कर लिया है, राम नाम की चादर ले ली है, बड़े मनके की माला ले ली है, सुबह शाम पूठा पाठ करते हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, क्या क्या लक्षण होने चाहिए उनके। सब अपनी मस्ती में, तुम हो क्या, गांडानी वणजार ए जियानो गणकान आवे पार, मारे बधिया गांडानी वणजार, गांडानी वणजार ए
दियन गण पान अब दी पागल नी वन जा। पागल शब्द बुरा नहीं है, पागल का अर्थ गुरु नानक ने कहा है जो गल को पा गया वो पागल है, जो गल को जो बात को मर्म को महामंत्र को सूत्र को जिसने आत्मसात कर लिया वो ही पागल है, जिसने एक ओंकार सतनाम को पा लिया वो पागल है। पागल भी हम खाक है क्या? पागल तो होते हैं, देखो बादशाह कोई कोई अस्पताल में होते हैं पागलों की, धर्म धुरंधर कैसे कैसे बाप। ईश्वर प्राप्त व्यक्तियों के कौन लक्षण होते हैं? साफ हो जाएगी बात, किसी भी व्यक्ति में इन लक्षणों को देखें झुक जाना वहां, लो उनकी चरण रज, मिटेगा रजोगुण, हो जा अनुव्रजाम्यहम, करो उसका अनुगमन। मुझे बोलने में जरा भी संकोच नहीं, करो उसका अनुगमन जिनमें इन लक्षण हो, समझना वो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति है। हमारे में संपदा झरना तो भीतर है, लेकिन कोई अहंकार की चट्टान पड़ी है, वो कोई सदगुरु चट्टान तोड़ दे और झरना फूट जाए, उसका झरना फूट पड़ा है। जो खुद तो नहाता है अगल बगल में आने वालों को भी निमज्जित कर देता है, पावन कर देता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लिबास में, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी उम्र में, कोई भी वय, कोई भी लिंग, कोई भी देश, कोई भी काल, कहीं का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? गुह को अभी उस मर्म का पता नहीं लगा है, इसलिए दुखी है, और दुखी है वो भी प्रेम के कारण है, स्नेह के कारण दुखी है, और कोई कारण नहीं। थोड़ा जरूर स्नेह मोह में बदला है, स्नेह कब मोह में कन्वर्ट हो जाता है बड़ा मुश्किल कहना है। किसी भी के मोह में थोड़ा स्नेह होता ही है, और किसी के भी स्नेह में थोड़ा मोह भी होता ही है, इस सत्य को अनदेखा नहीं किया जाता। सखा समुझ अस परिहरि मोह। श्री रामानुजाचार्य भगवान लक्ष्मण जी ने कह दिया कि तू मोह छोड़, तो छोड़ मोह, इसको मोह हुआ है स्नेह के कारण। स्नेह थोड़ा मलिन हो जाए तो मोह हो जाए, ध्यान दो, स्नेह थोड़ा मलिन हो जाए तो मोह हो जाए, मोह थोड़ा शुद्ध हो जाए तो स्नेह हो जाए, इतनी ही बात। स्नेह जो है वो थोड़ा मलिन हो जाता है किसी कारण, कोई कोई भी कारण हो तो मोह बन जाता है, और मोह सत्संग से थोड़ा शुद्ध हो जाए तो बिल्कुल विशुद्ध कुंदन कनक स्नेह हो जाता है। नष्टो मोह, हो गया सोना, हो गया स्नेह। स्नेह किसको कहते हैं? जो ये कह सके दिल से करिष्ये वचनं तव, स्नेह का लक्षण। गुहराज दुखी है, श्री सुमंत जी दुखी है, क्योंकि ईश्वर तो उनके पास भी है, लेकिन इतने ईश्वर प्राप्त वो नहीं अभी दिखाई दे रहे हैं। स्नेहवश, मैं बार बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, स्नेहवश जान दो, सुमंत राम जी को छोड़कर आते हैं, चले वो बनिक जिमी मूर कवाए, दुखी दुखी हो गए। क्या उसका हृदय का राम चला गया? लेकिन माधुर्य भाव के कारण, स्नेह के कारण वो दुखी है। हम सब की यही दशा है बाप। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, केवल मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, इतना ही फर्क। मैं ऊपर बैठा हूं, आप नीचे बैठे, इतना ही फर्क है, और ये फर्क भी केवल व्यवस्था के नाम पर है।
व्यवस्था है, विषमता नहीं। राम राज्य का सूत्र क्या है? राम प्रताप विषमता कोई। व्यवस्था तो होनी चाहिए। मुझे बोलना, मैं बार बार कहता हूं बोलना है, इसलिए यहां बैठा हूं। मुझे भी सुनना होता है, तब जहां तक संभव हो मैं नीचे बैठता हूं। मुझे मंच पर बैठने को कहे तो भी मैं नहीं बैठता, जबरदस्ती बिठाए तो क्या करूं। बाकी मैं कहता हूं किसी संगीत को सुनूं, शायर को सुनूं, किसी को भी सुनूं, तो करीब करीब 90% सामने बैठता हूं। यही होना चाहिए। तो आप नीचे बैठे यहां, एक केवल व्यवस्था मात्र है, विषमता नहीं है। मैं आपके संग हूं और इसलिए संग हूं क्योंकि हमारे वेदों ने यही आज्ञा दी है। संगच्छध्वम् 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 संवदध्वम् संवदध्वम् संग संग चलो, संग बोलो, संग गाओ। हमारे पूर्वजों ने इसी तरह अभियान चलाया था, संजानाना उपासते। ये भगवान वेद की घोषणा है। हम संग संग चले, लेकिन हां भगवत प्राप्त मिल जाए तो इनके पीछे हो जाओ। लो उनकी चरण धूल, वो रज नहीं है, उस रज के बराबर स्वर्ग भी नहीं है। एक पलड़े में वो रज डालो, एक पलड़े में समस्त विश्व का, अरे निर्वाण तक का सुख डालो, वो रज की महिमा। भागवतकार कहते हैं महत्पाद रजोभिषेकम्। उद्धव जी जब ब्रज से लौटे मथुरा, तब कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु अपेक्षा असाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इन नंदराय के इस ब्रज में रहने वाली गोपी जनों की चरण धूलि को परम बुद्धिमान कहता है मैं शीर पर चढ़ा रहा हूं, क्योंकि उनके मुख से जो कृष्ण कथा निकलती है उससे पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गो धीरे धीरे विकसित हुआ, फिर तो पहुंच जाता है, कह देता है चरण। जब ये आगे आगे ये पूरा प्रदेश धन्य हुआ, एक एक व्यक्ति निषादराज गु केवट, ये जो सब बातें हैं इस सब को साथ लिए हुए हैं। दिया एक जलता है पूरे कमरे उजाला, कमरा उजाला से भर जाता है। एक व्यक्ति के पास पैसे हैं, दूसरे पांच व्यक्ति के पास जरा भी पैसे नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसे है तो ये पांचों व्यक्ति को खिला सकता है, जिसके पास कुछ नहीं। एक दीपक पूरे भवन को आलोकित कर देता है। मागीनाव न केवट कहई तुम्हार मरम मैं जाना। ये पा गया आदमी, पा गया, उसका मर्म कोई नहीं जानता। जग पे खन तुम दे संभु नचावनी तेउन जानहि मरण तुम्हारा और तुम्हारी को जानहि हार। ब्रह्मादि देवता मर्म नहीं जान पाते, और तो कौन जान पाएगा, लेकिन हाँ वो जान पाता है। सो जानहि देहु जनाहि, फिर तो
जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाए। सिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तो बड़ी अच्छी जिज्ञासा, दुखी क्यों है? जैसे हम सब हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे सबके पास से कोई ऐसा भागा नहीं कि जिसको हरि मिला ना हो। लेकिन पहचान में नहीं आया है, चट्टान नहीं टूटी, झरना नहीं फूटा। जिसको मिल गया है उसको कैसे पहचान है कि उसको मिला है? जरा भी गैलछा में मत जाना, बराज भी आवेश में मत जाना, ये मार्ग में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता होले होले कदम रखना, क्योंकि इनमें गिरने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए बिल्कुल बात खोल खोल करके समझ लीजिए, ईश्वर प्राप्त व्यक्ति कौन? जिसने पूरा का पूरा, जैसे कबीर घोषणा कर सकते, कह कबीर मैं पूरा पाया, जरा भी रंच मात्र कम नहीं, पूरा का पूरा। हमारे यहां उपनिषदों ने कहा कि हमारी अल्प में रुचि नहीं, हमारी निष्ठा अल्प में है ही नहीं, मिले तो पूरा का पूरा ही मिले, अल्प में हमारी जरा भी रुचि ही नहीं। गोस्वामी जी को पूरा मिला, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। भक्त को भक्ति प्राप्त हो गई है, अथवा तो भक्त को भगवान प्राप्त हो गया है, उसके कुछ लक्षण साफ साफ, और वो श्रीमद् भगवत गीता से केवल 3 श्लोक। बड़ा अच्छा प्रश्न, ये 3 श्लोक में जो लक्षण हैं वो भगवत प्राप्त व्यक्ति के लक्षण हैं। ऐसा जिसमें देखो कोई भी हो, भेद नहीं। पुराणों में तो कथा आई है कि ये जो वेणु, जो बड़ा वो वेणु राजा भागवत जी में कथा थी ना, उसकी जांग का मंथन हुआ, मंथन करके सब निकला सब। तो जब उसकी जांग का मंथन हो रहा था, उसमें से एक छोटा सा काला नाटा एक व्यक्ति पैदा हुआ, बिल्कुल काला कुबड़ा नाटा, ठिंगू जी, कुछ बाल नहीं, कुछ विकृत चेहरा, कुछ आंखें इधर उधर, लगे कि इधर देख रहा है, देखता है उधर, ऐसा कुछ बिल्कुल विकलांग मानो। और जब वेण की झांग मंथन से निकला, उस समय ऋषियों ने कह दिया कि ए निषिद्ध शब्द उच्चारण किया पुराण, निषिद्ध, निषिद्ध एटले बैठ जा, निषिद्ध माने बैठना, इसलिए उस पर से शब्द हुआ उपनिषद, कोई गुरु के पास बैठ जाना, उपनिषद का अर्थ है किसके सन्निकट हो जाना, निषिद्ध। वो निषिद्ध का हो गया निषाद, उसके पर से बना निषाद शब्द, और वही निषिद्ध एक अर्थ में वो निषाद है जिसको हम गुह कहते हैं। ऐसा आदमी भी जान गया पूरा का पूरा ब्रह्म को। तो ब्रह्म को पाने वाले के लक्षण क्या? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। बिल्कुल
क्लियर बाय, बिल्कुल स्पष्ट, दो टुक, बे पर्दा, बे नकाब। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, एक मंत्र। दूसरा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा कांचन। दूसरा, तीसरा मंत्र, सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु साधु पापी, तीन श्लोक याद करो। इतने लक्षण जिसमें भी पाओ वो ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति है। बस गीता जैसा कोई सरल ग्रंथ नहीं। गीता का संस्कृत जितना सरल है इतना संस्कृत किसी ग्रंथ का सरल नहीं। अभी हमारी मुंबई में एक विद्वान से बात हो रही थी, वो भी कबूल कर रहे कि गीता का संस्कृत बिल्कुल सरल है, सहज है। वैसे बिना पढ़े भी गीता का नित्य पाठ करो ना, गीता स्वयं अपना अर्थ दिखाने लगी थी, और वो मौलिक अर्थ होगा, बढ़ाया चढ़ाया नहीं। कई लोग तो गीता को इतनी कठिन कर देते हैं। हमारे एक भाई तो रमूज में कह रहे थे कि गीता सुनने जाते तो दो प्रश्न अपने मन में होते, दो प्रश्न महाराज खुद दे देता है, तो चार लेकर घर लेटते। गए थे हल्के होकर, आए भारी होकर, बड़ा गंभीर बना देते हैं गीता को। इतना गंभीर। गीता भी विनोबा ने कहा माँ का दूध है। विनोबा जी ने कहा घी सबको नहीं पचता, दूध सबको पच जाता है, और ये तो गौ का दूध है। दुग्धा गोपाल नंदना, और सरल ग्रंथ है। अब भाई अपनी बातें क्या सुनाए। मैं 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ हूं, रिकॉर्ड है। हर विषय में करीब करीब कमजोर। उस समय मेरे पूज्य दादाजी ने, जो मेरे गुरु जी हैं, मेरे दादाजी त्रिभुवन दास बापू, उसकी दी हुई गीता मैं ऐसे पढ़ता था। वैसे कोई सीखा विखा तो नहीं, ऐसे पढ़ लेता था, रोजाना पाठ करते थे। फिर हम हाई स्कूल में पढ़ते तो वहाँ संस्कृत का एक विषय रहता था, तो उस विषय में परीक्षा में जब गीता के श्लोक पूछे जाते थे उसका भाषांतर करना, सबसे आगे मैं निकलता था। कौन ने सिखाया, लेकिन ये अपने आप सिखा देते थे। उसी गीता के श्लोक के अर्थ करने में, और रामचरितमानस जो हिंदी सिलेक्शन में मैट्रिक में आता था उसका पेपर लिखने में मैं सबसे आगे रहता था। स्वाभाविक, इतना मेरे कहने का मतलब, आप तो पढ़े लिखे, आप तो कितने आगे निकल जाए। इतना सरल है ये, सहज है ये। कई लोग मेरे पास आते हैं, बाबू गीता का वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो, है रामचरितमानस का भी हुआ है, गीता प्रेस ने बहुत सेवा की, लेकिन भाषांतर न हो तो भी मूल मंत्र पढ़ो, उसमें बहुत अद्भुत महिमा, कितने सरल है। कि ईश्वर प्राप्त व्यक्ति के लक्षण, जहां तक व्यास आदि को निष्ठा है। जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। परमात्मा समाहित का क्या अर्थ है, क्या मतलब है परमात्मा समाहित। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, 6 वस्तु में जो शांत रहता है वो एक लक्षण। बहुत शॉर्ट कर दो, अशक्य नहीं है, कठिन बहुत है, असंभव नहीं है,
मुश्किल जरूर है। सर्दी में गर्मी में जो शांत रह सकता है, शीतोष्ण स्थूल रूप में भी लो, कहीं गए और कोई ऋतु है, ज्यादा गर्मी है ज्यादा सर्दी है जो भी है, उसमें जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां अशांत नहीं होती, बस एक दृष्टि से देखो तो कितना सरल है ये, लेकिन जो भगवत प्राप्त हो जाता है उसके जीवन में ये लक्षण प्राप्त होते हैं। सर्दी गर्मी शीत उष्ण जिसको संताप शांति, शीत मानी शांति एक अर्थ में लो, उष्ण मानी संताप, दोनों में जो बिल्कुल सम है, गर्मी के दिन हो ठीक है, सर्दी के दिन हो ठीक है, अपनी बुद्धि से प्राप्य वस्तु से अपना रक्षण करें, लेकिन न भी हो तो कोई चिंता नहीं। इन दो में जो शांत रह सकता है, जिसकी वृत्तियां उलझती नहीं, टाढ़े मारी नाख्या तड़के मारी नाख्या, ये सब हम जीवों का अभिप्राय है, जीवों का। मैं कभी कभी कथा तो मुझे साल भर देता हूँ तो भी पूरे हिंदुस्तान में देना पड़ता है, विदेश में भी कुछ देनी पड़ती है, तो समय का सबको तो कार्तिक मास माक्षर मास पोष मास तो नहीं मिलता, तो फिर किसी को वैशाख मिलेगा ज्येष्ठ मिलेगा, तो लोग कहते हैं बापू आप वैशाख में कथा देते कितनी वहाँ गर्मी होती है पता है, तो मैं कहता हूँ आप तो वहीं रहते हैं ना, बोले हाँ, आपके बाप दादा भी वहीं रहते हैं तो आप तो गर्मी से अभ्यस्त है ना, बोले हाँ हम हो जाएंगे, फिक्र क्यों करते हो, है तो हम पांच सात व्यक्तियों का प्रश्न ना, हम शिकायत करें तो निकाल देना कि गर्मी हमारी ना क्या, कई लोग कहते हैं मुझे, जरूर ये अच्छी बात है कि अच्छी ऋतु में हो, लेकिन पूरी साल कथा करनी है तो सबको एक महीना तो नहीं मिलेगा, वही तो कहीं तो ऐसा होगा, तो कई लोग मुझे कहते हैं और सही लागणी से कहते हैं, भाव से, बाबू बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी वैशाख मा तो कथा पहुंचो पंजाब में पंजाब की कथा है 10 तारीख से 10 फरवरी, कुछ जो पूरा साल का प्रोग्राम था थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जो लिस्ट छाप कर दिया था उसके मुताबिक मत चलना, वरना कहीं जलंधर जाने के बदले कलकत्ते चले जाओगे, उसमें इधर उधर हो जाएगा, इसलिए नया जो लिस्ट हम देंगे उसी के मुताबिक चलना, थोड़ा इधर उधर कथाएं हो गई है, ये हो सकेगा तो मैं इसी कथा में अंत दिनों तक घोषित कर दूंगा जो नया हो, लोग बजट की जितनी इंतजारी करते हैं इतनी कथा के लिस्ट की इंतजारी करते हैं, तो मैं 90% आपको दे दूंगा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी कसूर मेरी भूल है, मैं चुक गया कुछ कथाओं की दायित्व मेरी कसूर हो गई भूल, इसलिए मैंने क्षमा भी चाह ली, जो बर्मिंघम में देना था वो अजमेर में दे दिया, कहाँ अजमेर कहाँ बर्मिंघम, तो बर्मिंघम वाले चिल्ला टेलीफोन पर टेलीफोन, बापू मर गए हमारी कथा आपने निकाल दी, कहाँ दे दी ये आपने दूसरी डेट, मैंने कहा भाई चुक गए आदमी चाहिए भाई बुलाई जाए, ए भूल चुक लेवी देवी श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठंडी और गर्मी में जिसकी चित्त वृत्ति विचलित नहीं होती, किसके जीवन में घटना घटती है, जो ईश्वर प्राप्त है, जिसने अपने भीतर एक एसी लगा दिया है और एक हीटर लगा दिया है, परमात्मा हीटर भी है और एसी भी है, उनके समान तप्त से तप्त कोई नहीं और उनके समान शीत से शीत भी, सूर्यों का सूर्य तप तप्त से तप्त और हिमालयों का हिमालय तप शीत से शीत, जिसको परमात्मा इस तरह मिला है वो कभी भी व्यवहार में कभी बोल भी दे कि भाई बहुत बहुत ठंडी है बहुत गर्मी है, लेकिन उसकी चित्त वृत्ति इससे प्रभावित नहीं होती, नहीं होती। और कभी कोई महापुरुष दूसरों को लक्ष्य में रखकर बोले भी कि बहुत गर्मी है, तो समझना वो दूसरों को लक्ष्य में रखकर बोले हैं,
खुद के लिए नहीं बोले, जो ईश्वर प्राप्त है। कभी कभी कोई महापुरुष क्रोध भी कर ले तो समझ लेना वो क्रोध उनका नहीं है, आगंतुक है, बुलाया गया है। क्रोध आता नहीं था, विनती की महात्मा ने कि 5 मिनट के लिए आ जरूरी है अब, क्योंकि महात्मा में क्रोध जा नहीं सकता। जहां बोध होता है वहां क्रोध हो ही नहीं सकता, और जहां क्रोध है वहां बोध एक अंश भी नहीं। क्रोध और बोध दोनों एक गली में नहीं रह सकते, तुलसी गली है सांकरी, तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी इकठा। नयनन प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां बसाए, भरी सहाय रहीम लखी पथिक फिर जाए। काकभूषुंडी जी के ऊपर उसने लोमस महाराज ने बहुत क्रोध कर दिया, सपदी हो पक्षे चंडाला, क्रोध कर दिया। लेकिन काकभूषुंडी जी शांत रहे, कहे निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध, मैं किससे विरोध करूं, जिससे भी विरोध करूंगा वो मेरा सीताराम है, क्या मैं सीताराम से लड़ू, क्या मैं सीताराम से गालियां दू, क्या मैं सीताराम से हाथों की वो करूं, क्योंकि मेरे लिए तो सब प्रभु परमात्मा मई है। रमण महर्षि के बारे में एक विद्वान विदेशी चिंतक ने लिखा है कि मैं उनके पास नाम में भूल गया, रमण महर्षि के पास में बैठा तो एक पंडित आया और पंडित कुछ जिज्ञासा कर रहा है रमण महर्षि के सामने, और रमण महर्षि उसके जवाब दे रहे हैं अपने अपने ढंग से, और पंडित तर्क पर तर्क लगा रहा, जो भी बात कहता है रमण करुणा से कह रहे हैं, सीधी सादी बिल्कुल दो टूक, लेकिन वो बिल्कुल न जाने कितने कितने तर्क लगा रहे, तर्क करते तब तक ठीक कुतर्क करने लगे 1 घंटे तक। वो विदेशी चिंतक कहता मैं वहां बैठा था और मैंने ये दृश्य जीवन में पहली बार देखा और मैं अहोभाव से भर गया कि ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिला। पंडित माने नहीं, कुछ और शिष्य निजी थे वो कहे पंडित जी अब बस करो ना, बाबा बहुत समझा गए, अब भी आपके समझ में ना आए तो छोड़ो बात, दूसरे को पूछो, क्या लेना देना। फिर भी न माने, एक डंडा पड़ा था रमण महर्षि ने डंडा उठाया और लाठी उठाई और उनके पीछे दौड़े, पंडित जी कहां गए पता नहीं। और वो विदेशी कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत अद्भुत दृश्य देखा, रमण और हाथ में डंडा, नरसिंह मेहता के हाथ में करताल शोभे कुआड़ी न शोभे, कुल्हाड़ी लेकर नरसिंह मेहता किसी के साथ, ये बहुत विचित्र दृश्य था। और दौड़े एकदम और पंडित भागा, एक तो मारा भी, फिर हंसते हंसते लौटे, डंडा फेंक दिया और फिर अपनी मस्ती में बैठ गए। उस विदेशी ने लिखा है मैंने रमण महर्षि को क्रोध में जितना शांत देखा इतना शांति में शांत नहीं देखा था। यह है ईश्वर प्राप्त व्यक्ति का लक्षण। उनके शब्द में कोट कर रहा हूं कि शांति में जितना शांत नहीं देखा इतना क्रोध में आज मैं शांत देख पाया, यह है ईश्वर प्राप्त का लक्षण। जिसकी चित्त वृत्ति शांति न गवाए, प्रशांतस्य, इतनी वस्तु में, कितनी वस्तु में, शीतोष्ण सर्दी गर्मी सुख और दुख, हम सबकी दशा बहुत विचलित है मेरे भाई बहन। हम सब बिल्कुल सामान्य स्तर के लोग, मैं आपके संग हूं, सोचिए, सुख में एकदम वो हो जाते हैं, दुख में एकदम वो हो जाते हैं। ईश्वर प्राप्त नहीं है, परमात्मा ने हमको प्राप्त किया है, हमने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। परमात्मा ने हमारे घर में निवास किया लेकिन हमारे घर में बसे इस अतिथि को हम पहचान नहीं रहे, हम उसको नहीं पहचान पाए। सुख और दुख में जिसकी चित्त वृत्ति शांत रहे, कुछ भी हो, और ये बहुत अभ्यास करने जैसी बात है मेरे भाई बहन। थोड़ा अभ्यास से बहुत फायदा होता है, खूब सत्संग करो, सत्संग से बहुत फायदा होगा।
कई लोग मुझे कहते हैं बापू कई लोग बहुत सत्संग करते हैं फिर भी जड़ दिखाई देते हैं, उसने सत्संग किया ही नहीं, उसने क्या खाक सत्संग किया है। सत्संग तो संजीवनी है, मृतक को जिला देती है, लोहे को कंचन नहीं पारसमणि बना देती है। कथा में आ जाना, सत्संग में बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। सत्संग कोई बिल्कुल, आज एक अच्छा प्रश्न पूछा, अब तुम विश्राम मत कर जो अच्छा सवाल बापू जय सियाराम। बापू तुम्हारी पास कोई एवी बुक छे जेमा भाग्य भाजन श्रोताओं ना नाम लिखेला हो? जो कल में भय भाग भाजन जन लेखे, जो ब्रह्मांडीय बुक में जो नाम लिखा गया केवट गुह का जो भगवान राम के सामने, तो इसी के ये प्रश्न पूछा है। तो ये भी कोई बुक छे के जेमा भाग्यवाजन श्रोताओं ना नाम लखेला होय, कृपा करीने जणावशो। अहमदाबाद से किसी का प्रश्न है और अहमदाबादी से बचना, गुजरात का पाटनगर है, अच्छा हुआ गांधीनगर हुआ, लेकिन कागड़ा बधे काड़ा, सब सौमला है, सब सौमला है। एक राजनेता, एक मिनट, एक राजनेता दर्जी की दुकान पर गया कि मेरा कोट बना दे, पैंट बना दे, कुर्ता बना दे, कमीज बना दे। और दर्दी पारंगत, नाप लिया, सुंदर पैंट बना दिया, सफारी सूट बना दिया, कोट पैंट अंदर कमीज सब बिल्कुल अप टू डेट, पूरा का पूरा। राजनेता आया लेने, कपड़े तैयार है बिल्कुल साहब, दो दिन से तैयार है, ले जाए। कांच में देखा बिल्कुल ठीक ठीक जैसे सुंदर। फिर बाद में कहा कि उसमें तुमने जेब नहीं बनाई, न कोट में जेब, न कमीज में जेब, न पैंट में जेब। बोले राजनेता खुद कहाँ जेब रखते हो, तो दूसरों की जेब में ही हाथ डालते रहते हैं, इसलिए उसको जेब भगवान बचाएगा। कागड़ा बधे काड़ा, सब सौमला, कोई पण क्षेत्र में सब सौमला, सामाजिक क्षेत्र हो, राजकीय हो, के पछी इलाके तो सौमलो छो। गुजराती में अमारे गुजराती मानस छे ई आम साचो साधु थई जाय तो सवाल नहीं, पण आवेश में आयो पत्नी नी साथे कई भेड़ू नहीं, खीज में निकली गयो, रात्रे 10 वागे निकली गयो, गाड़ी मळती थी एटले શું માને છે તારા મનમાં, તું સમજે છે તું માયા, તું એમ માને છે તું પુરુષ છો, તું પ્રકૃતિ છો, લે સાંખ્ય લાવ્યો, સાંખ્ય કપિલ ભગવાનને ઉતાર્યા, પુરુષ અને પ્રકૃતિ લાવ્યો, ક્યાં સમજતી હે તેરે મનમાં, અભી ચલા મેં ગિરના, આદેશ આદેશ હાલે દત્ત, સાબર મંત્ર બોલવા માંડી। पत्नी बिचारी रोए कि मत जाओ, मेरी भूल हो गई, मैं के छोटी छोटी बच्ची आपका, बोले बिल्कुल हट, छूना मत छूना मत। जिसे हम भूलना चाहें बुरा इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते।
इति संस्मृत्य संस्मृत्य। दूर रहो माया प्रकृति। अरे लेकिन मैं जो हूं आपकी हूं, ये छोटे छोटे बच्चे बोले नहीं लग गई है बस, अब रोके नहीं रोकूंगा, अब गया समझ, मने रंगो देखाई छे तारो रंग देखाई छे, बाकी तने जे देखाता है तू जाने, रंग शुरू थी गया मने, तू दूर रहे। ओमकार नो ध्वनि संभळाई, हट गया। एक महात्मा के पास और कहा कि बड़ी जिज्ञासा लेकर आया हूं, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम महाराज में आया हूं, आप दीक्षा दे। तिलक करो महाराज, दीक्षा मंत्र आ गया, कपड़ा वपड़ा बदलाई गया, तो एक वर्ष मंडल में फिर मंडली, पहले तो गांव गांव मंडलियां निकलती थी, एक साल के बाद अपने ही गांव में आया, लेकिन सब बदल गया था, पूरा रूप स्वरूप दोनों बदल गया था। गांव की पंचायत ने भंडारा दिया, सब भोजन में सब बैठे भोजन करने के लिए, और गांव का सरपंच परोसने आया, परोसते थे ये आदमी जाना पहचाना है, इधर जाए उधर जाए, फिर बार बार देखे, वो समझ गया कि ये मारा गांव नो सरपंच मन ओळखी गया। ओम 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 तो सरपंच ने निकट जाकर कहा कि महाराज श्री, अब तो सोमला नहीं, अब तो सोमला। बोले चुप रहे, सब सोमले है, कागड़ा बधे का काचा हो तो बाकी पाका, ओने पाको रंग चढ़ियो हो तो शू कहानु, बाकी तो सदा पूज्य है, परम पूज्य है, परम पूज्य धर्म धुरंधर से, उसके लिए क्या कर। तो अहमदाबाद वालों ने प्रश्न पूछा है, कहेंगे अच्छा हाँ, तो अहमदाबाद से जरा सावधान रहिएगा, बंबई से एक आदमी ट्रेन में बैठा था तो अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन आया सुबह सुबह 5 बजे, तो एकदम जागा, उसको अहमदाबाद उतरना था, तो सोचा कि अहमदाबाद आ गया कि क्या आ गया, तो प्लेटफॉर्म में कोई घूम रहा था, उसको कहा कि भाई ये कौन सा स्टेशन आया, तो बोले 5 रुपया दो तो बताऊं, उसने कहा अहमदाबाद आ गया, उतर गया, मैं आ गया, क्योंकि तो बिना अहमदाबादी 5 रुपया नहीं मांग सकता। तो ये प्रश्न अहमदाबाद का है बापू, तमारी पास कोई एवी बुक छे जेमा भाग्यभाजन श्रोताओं नाम लखेला होय जणावशो? जवाब आपो ना आपो ये तो मारो अधिकार छे। आगे बैठे, हम चर्चा कर रहे थे बाप, सुख और दुख जिसमें चित्त वृत्ति शांत हो। रमण महर्षि को मैंने क्रोध में जितना शांत देखा, इतना शांति में कभी शांत नहीं देखा। दूसरों के लिए शायद वो कहे कि बहुत ठंडी है बहुत गर्मी, सुख है दुख है दूसरों के लिए शायद बोले, खुद को सुख दुख से प्रभावित होने नहीं देता, वो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति है। कठिन ऐसा होगा तो ईश्वर प्राप्त होगा, नहीं ऐसी बात नहीं, ईश्वर प्राप्त हो गया जिसको, उसी में ही यह नजर आता है, वरना मुश्किल बहुत कठिन।
किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति हो जाती है, किसी न किसी रूप में, भीतर से बिल्कुल कहीं कंपन्न न हो, ये ईश्वर प्राप्त व्यक्ति का लक्षण है। गोह को सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, भगवान आए सुख हुआ, भगवान का भूमि शयन दुख दे रहा है, राम का संग सुमंत के लिए अहोभाग्य है, लेकिन इस राम को छोड़कर जाना सुमंत के लिए दुख है, डोल रहा है शीतोष्ण में, सुख दुख है, उसको तुम सुख दो दुख दो, जरा भी प्रशांतस्य प्रशांत पर उपसर्ग लगा दिया, प्रशांत हम क्यों प्रभावित हुए, पर थोड़े अभ्यास की जरूरत है मेरे भाई बहन, ज्यादा नहीं, थोड़े। कई लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं हो गया कि सुख में भी दुखी रहते हैं, नहीं है, सुख में भी दुखी रहना स्वभाव हो गया, वरना सब प्रकार के सुख में हम दुखी क्यों। इसका मतलब यह है कि हम सुख में भी दुखी रह सकते हैं, तो थोड़ा अभ्यास करने से दुख में भी सुखी रह सकते हैं, थोड़ा अभ्यास का सवाल है। गुरुजी एफ ने लिखा है कि बात, मुझे छोटी सी बात मैंने कहीं पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, एक मैगजीन में पढ़ी, उनके पास जो साधक जाते थे उसको एक प्रयोग कराता था, 3 महीने तक तुम जो भी देखो उसको झूठ है झूठ है झूठ है बोलो, ऐसा वो सिखाता। बाजार में जाओ, दुकान झूठ है, भैंस निकली झूठ है, बैलगाड़ा निकला झूठ है, टांगा निकला झूठ है, रिक्शा निकली झूठ है, आदमी है झूठ है, सब्जी मंडी है झूठ है, अनाज बिक रहा है झूठ है, रिक्शा आ रही है झूठ, सब झूठ 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 झूठ। 3 महीने तक सबको झूठ कहो, स्कूल है झूठ है, छात्र है झूठ है, अध्यापक झूठ है, मैं हूं झूठ हूं, भोजन सब झूठ झूठ झूठ। 3 महीना प्रयोग पहले उसकी शिष्य होने के लिए शर्त थी, 3 महीने ये प्रयोग करना पड़ता था। जब साधक लोग पूछते कि इससे क्या फायदा होगा, तो कहे 3 महीना सब झूठ है, निरंतर संतत झूठ है झूठ है, ऐसा प्रयोग करो तो सपना भी झूठ है ऐसा तुम सपने में बोल सकोगे, सपना झूठ है ऐसा सपने में हम नहीं बोल सकते, जागने के बाद बोलते हैं। गुरुजी एफ कहता है सपने में भी तुम बोल पाओगे कि सपना झूठ है, एक अभ्यास हो जाएगा। ये बड़ा बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा प्रयोग माना गया।
सपने में कोई कह सकता है सपना झूठ है? सपना कितना झूठ और विचित्र होता है, भैंस कौवा हो जाती है सपने में, कौवा, और फिर भी हम मानते, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग मानते हैं, उड़ा जागने के बाद कहते हैं कि कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल विचित्र सपने भी। तीन महीने तक ये प्रयोग करने से ये महापुरुष कहता था कि फिर तुम सपने में सपने को झूठ कह सकोगे, वही तुम्हारी जागृति की पल है, वही तुम्हारी जागृति की क्षण है। सपने हो ही लक्ष्मण जी कहने वाले हैं गुह को, रंग नाक पति हो जावे लाभ हानि कछु तिमि प्रपंच जो, यही जग जामिनी जागही जोगी। सब सपने की बात उठाई है लक्ष्मण जी ने। अब सत्संग में इतनी रुचि है तो थोड़ा अभ्यास और करें मेरे भाई बहन। कोई चीज वस्तु थोड़ी सुख दुख दे सकती है, मन की आदतों ने ये सुख दुख की सृष्टि निर्माण की है। कई लोगों को आदत ही है हर प्रकार का सत्संग जैसा सुख संसार में कौन सा है भाई। तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ा सूत्र प्राप्त किया, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई संत मिलन सम, सत्संग से समान तो कोई सुख नहीं है। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुखदाई, राज मिले गज वाज मिले सब साज मिले वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई, सत्संग से बढ़िया तो विश्व में कोई सुख नहीं है, यह तो निर्विवाद सत्य है। सत्संग के समान कोई सुख नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। क्या लिखा गोस्वामी जी, एक पलड़े में स्वर्ग का अपवर्ग का समस्त सुख डाल दीजिए, उनके सामने जो सुख लव सत्संग, एक छोटा सा सत्संग का सुख उसको वो तोल नहीं पाएगा। तो ये तो पूरी दुनिया कबूल करती है कि सत्संग के समान कोई भी सुख नहीं, लेकिन जिसको दुखी होने की आदत है वो सत्संग में रहते हुए भी दुखी रहते। हमको ठीक व्यवस्था न मिली, हमको ये न हुआ, हमको ये न हुआ, क्योंकि इनकी आदत है। वरना सत्संग के बाद कौन सी शिकायत किसी व्यासपीठ के बुक में आना बहुत कठिन है। नाम उसमें नाम भाग्यभाजन के रूप में अपना लिखवाना बहुत मुश्किल है। शायद भगवान लिख ले, मैं नहीं लिखने वाला, क्योंकि मैं एक बार लिखूं फिर काटू नहीं, भगवान तो समर्थ से भाई तो कमें ते करे, बहुत कठिन मामला, क्योंकि आदत पड़ गई ना। हम रात दिन गाते हैं फिर भी दुख की आदत हो गई तो शिकायत करते रहेंगे तो क्या पाया, क्या पाया, सुख पाया सुख पाया। सत्संग में रहकर भी तुमको आदत हो गई है तो तुम ईर्ष्या करोगे, सत्संग में रहकर भी तुमको आदत पड़ गई तो तुम स्प्रिहा से युक्त हो जाओगे, सत्संग में रहने के बाद भी आदत है तो तुम द्वेष करोगे, सत्संग के रहने के बाद भी तुमको ठीक से, मैं कई लोगों को जानता हूं उसको अमुक प्रकार का रहने का बैठने का सुनने का खाने का पीने का न मिले तो उसको सत्संग का सुख जीरो हो जाता। इसका मतलब तुम दोषी नहीं हो, जन्म जन्म की तुम्हारी आदत है सत्संग सुख में भी दुख को अर्जित करना,
ये टेव है, याद। कई लोगों के पास लाखों रुपये होते हैं फिर भी वो दुखी रहते हैं, क्या कारण क्या है? घर में कुछ नहीं हुआ? मैं विनोद में नहीं कहा करता, एक आदमी एकदम रो रहा था, किसी ने आकर पूछा भाई क्यों रो रहे? बोले कलकत्ते में हमारा एक पितराई भाई मर गया। ओ, तो बहुत बुरा। अरे लेकिन क्या बताएं, उसको बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो 50 लाख रुपया मेरे नाम रख गया। तो उसने कहा ये तो अच्छी बात है, कुछ धर्म में लगा दो, कुछ उसके नाम के कुछ बना दो, स्कूल कॉलेज, अच्छी बात है। 8 दिन के बाद फिर मिलने गया तो फिर रो रहा है। बोले क्या हुआ? अरे बोले बड़ौदा में एक हमारा दूसरा भाई रहता था, वो भी निर्वंश मर गया, उसके 50 लाख मेरे नाम छोड़ गया। बोले भाई मर गया वो तो बुरा हुआ, लेकिन 50 लाख छोड़ गया तो उसके पीछे कुछ अच्छा काम करो। 15 दिन के बाद गया तो फिर रोता हुआ पाया। बोले दिल्ली में मेरा एक तीसरा पितराई भाई हुआ, वो मर गया, वो 1 करोड़ छोड़ गया। फिर 1 महीने के बाद गया तो फिर भी रोता है। पूछा अब क्या है? कि एक चौथा पितराई है, अभी तक मरा नहीं, मैं प्रतीक्षा में। जिसको आदत सी हो गई है, इसको 1 करोड़ से कहां शांति है, उसको तो सवाल 10 करोड़ का। तो जिने प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, सवाल 1 का नहीं है, 2 का नहीं है। पहलू ही पहलू, बीजो ही तो गयू गयू, इसमें इसमें कुछ नहीं। पहला मैं कह रहा था कि देखो नकल करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जब स्पर्धा करनी होती है तब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में तुम स्पर्धा करो तब मुझे दया आती है कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी कि हम ये हो जाए, हम ऐसे हो जाए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी 1-1, 2-2 आदत जो हो गई कहां जाएंगे? शिकायती चित अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकता, द्वेषी चित अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकता। प्रवेश तो कर लेता है, प्रगति नहीं कर सकता। तुम हो, क्यों दूसरों की चिंता में पड़े हो? तुम मौलिक हो, तुम्हारी अपनी इकाई है, तुम्हारी अपनी निजता है, तुम्हारी अपनी मौलिकता है, क्यों दूसरे में उलझते हो? लेकिन आदत है सत्संग में जाने के बाद भी दुख को अर्जित करना, तुलना करना, यही तो मूढ़ता है। तो सुख में रहते हुए भी दुखी होने का अभ्यास कर लिया है तो यह भी तो हो सकता है कि दुख में रहकर हम सुखी होने का अभ्यास कर। कई लोग ऐसे होते हैं सदा सदा दुख में रहता है फिर भी कहते हैं भलू थयु भागी जंजाल सुखे भजिशु श्री गोपाल। हर हाल में सुख खोज लेंगे। हमारे कर्म तो इतने थे कि इतना बुरा अंजाम आना चाहिए था लेकिन प्रभु ने करुणा की कम में छोड़ दिया। ऐसा सुख अर्जित करेगा, स्वभाव पर निर्भर है बात। आगे ये सूत्र आएगा, काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। शीत और उष्ण, सुख और दुख, मान और अपमान, ये 6 वस्तु में जिसकी चित्त वृत्ति अशांत नहीं होती समझना वो ईश्वर के साथ बातचीत करता है, इनके साथ उसका सीधा संपर्क है, वो परमात्मा को प्राप्त हो गया है। माहे पड़ियाते महासुख मारे, ऐसी बात है ये, जो भीतर गए वो ही पा सकता है। दूसरा लक्षण जीतात्मना स्वाधीन जवाय, आत्मा को जीतना मानी स्वाधीनता। स्वाधीन शब्द ज्यादा उपयोग किया है प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज, स्वाधीन शब्द उसमें।
भरपूर उपयोग किया, स्वाधीन स्वाधीन, ये उनका शब्द है। वैसे शब्द तो भाषा का है लेकिन बहुत यूज किया स्वामी शरणानंद जी महाराज, स्वाधीन। जितात्मना इसका मतलब है जो स्वाधीन है, जिसकी आत्मा कहीं गिरवे नहीं रखी है, नगद आत्मा के सहारे मस्त रहता है। मेरे पास मेरी आत्मा है, जो आत्मा विकसित होते परमात्मा बन जाती है, मैं क्यों मूढ़ रहूं, उसको कहते हैं जीतात्मना। आत्मा को जीत लिया इसी बात नहीं, स्वाधीन। आत्मा कहां तुमसे वैर करती है कि जीतने का प्रश्न आया, आत्मा कहां तुमसे संघर्ष करती है कि जीतने का प्रश्न आया, आत्मा कहां तुमको द्वंद्व में उठा ले जाती है कि रण रण आ सकता है, द्वंद्व आ सकता है। आत्मा को जीतने का मतलब है स्वाधीन। मुझे मेरे पास पर्याप्त है, मैं दूसरों की दाढ़ी में क्यों हाथ डालूं, मेरे पास पर्याप्त है सब कुछ, ये स्वाधीनता। मुझ में क्या कमी है, क्या नहीं दिया दाता ने। जीतात्मना जो स्वाधीन है, दूसरों पर जिसका कोई आधार नहीं, अपनी आत्मा के आनंद में डूबा रहता है। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, उसमें परमात्मा डूबा हुआ है, वो परमात्मा प्राप्त व्यक्ति है। जो ऐसा दिखाई दे, जांच करना देखना, और ऐसा मिल जाए तो फिर उसका आश्रय करना, ऐसा कोई मिले, क्योंकि ये परमात्मा प्राप्त व्यक्ति है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। ये लिस्ट आगे बढ़ता है। परमात्म प्राप्त कौन व्यक्ति है, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अब उसके जीवन में असंतोष की हवा आ ही नहीं सकती, अपने ज्ञान से और अपने अनुभव रूपी विज्ञान से तृप्त आत्मा। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है, केवल ज्ञान नहीं, केवल जानकारी नहीं, जिसने अनुभव भी किया है, पक्का अनुभव किया है, अपरोक्षानुभूति जिसके जीवन में घटी है, ज्ञान विज्ञान से जो लबालब तृप्त, जानकारी भी इतनी अनुभव भी इतना, कभी कभी व्यक्ति को ज्ञान होता है लेकिन अनुभव नहीं होता। कई लोगों को पूछो कि बंबई में मुख्य मुख्य वस्तु कोई कौन सी है, कौन सी जगह, तो वो गिना देगा, फला है चौपाटी है, फला है माता जी का मंदिर है, फला फला सब गिना। लेकिन उसको पूछो तुमने कभी देखा, तो बोले मैं गया नहीं, अनुभव नहीं, जानता सब है। कई लोग अमेरिका की बात पूछो तो बता देंगे, वहां आया है, जानता है, अनुभव नहीं है। एक भाई कहते ना, एक मित्र ने कह दो तो आप वड़ाप्रधान साथ ओळखाण, पीएम साथ हमको पहचान, बोले तुमको पहचान, बोले आधी पहचान है, बोले पहचान में आधी पूरी क्या, बोले मैं उसको जानता हूं वो मुझे नहीं जानते, मैं तो जानता हूं लेकिन वो नहीं जानते। ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है, और तृप्त किसको कहते हैं, तृप्त का मतलब क्या, एक बार भरपेट किसी को भोजन करा दो आप, फिर न रसोई घर के सामने देखेगा, न परोसने वाले को देखेगा, न मिठाई देखेगा, न पंक्ति देखेगा, न कुछ देखेगा, बस आंखें बंद करके आनंद में डूब जाएगा। अब कोई अपेक्षा न बची, कोई चाह न बची, कोई स्पृहा न बची। स्पृहा स्पर्धा को जन्म देती है,
इंसान की स्पृहा स्पर्धा पैदा करती है। ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है, कुटस्थ हो, कुटस्थ का अर्थ है विकार मुक्त। कुटस्थ का सही अर्थ ये विकार मुक्त, कोई विकार जिस नहीं, कुटस्थ है बस, न रज है न तम है न सत्व है, न कोई भी विकार उसको छू नहीं पाया। रहेगा सबके बीच, खुशी मनाएगा, सबके साथ भोजन करेगा, सबके साथ चलेगा, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने से लगेगा कि कुटस्थ है, सबसे परा। विजित इंद्रिय, सभी इंद्रियों को जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। अब किसी पर विजय प्राप्त करना ये शब्द मुझे बहुत अच्छा नहीं, ठीक नहीं पड़ता है। मेरे व्यक्तिगत रूप में विजय भाषा बहुत अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यहां विजितेंद्रिय शब्द है, उसका मतलब है स्वाभाविक, जिसको जिसकी इंद्रियां काबू में आ गई है भली भांति, संघर्ष नहीं किया इंद्रियों से, आंख फोड़ नहीं डाली, कान में खिले नहीं डाल दिए, जबान को काटी नहीं, हाथों को काट नहीं दिया, पैरों को काटा नहीं, कोई गुफा में जा बसा नहीं, सभी इंद्रियां मौजूद है बलि भांति, स्वाभाविक इंद्रियों ने प्रत्याहार कर लिया है, वो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति है। सभी इंद्रियां लौट गई, जैसे गायें चरने गई खेतों में, सायंकाल होते लौट जाती है अपने स्थान में, इंद्रियों का गो माने इंद्री, जो बाहर जाती है बाहर जाती है, अपने आप लौट आई, स्वाभाविक लौट आई। जिसकी इंद्रियां स्वाभाविक परिपाति साहजिक रूप में शांत होने लगती है, समझो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति है। करना नहीं पड़ता, रोकना नहीं पड़ता, अपने आप मुड़ जाए बस। रोकने से लाख प्रयास करो तो भी ऊर्जा पार फूट जाएगी, कितना भी करो। रामनवमी नो दिवस है तो चार जना नक्की करो अपने माउन रखी, आज चार जना नक्की करो माउन रखे, तीनों ने कहा रखे, तुम कहो तो रखे, बोले रखे, बैठ गए माला लेकर बैठ गए मंदिर में, जिन बैस गया चाहे माउन। एक थी बोले कारण की अभ्यास नहीं, जबरदस्ती की वाणी के इंद्रिय पर, बोल गया कि एला हूँ घर ने ताड़ू देता भूली गयो कि क्या थी। हम बोला घर को ताला दिया कि नहीं पता नहीं रहा, या भी जो बोलो ए ते व्रत तोड़ी रह क्या क्या त्रीजो के पण तू तू शू करे है, ते आ शू करियो है गणेश बोल, पण तू शू करे जा, चुपचाप बैठ ने माउंट राख ने, हमें केम राख्यो छे, ले त्रीजो। ત્યાં ચોથો બોલ્યો તમે ત્રણેય બોલી ગયા પણ આપણે તો પાડ્યું। ઉસકો વિજિતેન્દ્રિય નહીં માના જાતા, ચોથો બોલી બહુ ગૌરવ લે આપણે પાડ્યું, તમે ત્રણેય મૂર્ખાઓ, તમારે ન ટકે વ્રત ન ટકે વિજિતેન્દ્રિય, સ્વાભાવિક ઇન્દ્રિયા શાંત હો જાતી હૈ સ્વાભાવિક, જબ કિસી કો कोई अहोभाव का अनुभव होने लगता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, समझना ईश्वर प्राप्त व्यक्ति है। फिर वहां झुकने में भूल मत करना, देर मत करना, स्वाभाविक जिसकी इंद्रियां प्रत्याहार कर चुकी, लौट गई अपने निज स्थान में, कुटस्थो विजितेंद्रिया, जो विकार मुक्त है, जिसकी बलिभांति इंद्रियां अपने स्वस्थान में लौट चुकी हैं, कुछ आयास प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसा योगी युक्त है। लेकिन एक लक्षण और बताया, जिसको तीन वस्तु सामने रख दो, लोहा पत्थर सोना,
तीनों में जिसकी समबुद्धि है। ये नहीं कहेगा कि लोहा ये सोना ये मिट्टी है, सब समान। इनके लोहा भी सोना है, लोहा भी मिट्टी है। उनके लिए सोना भी लोहा है, सोना ही मिट्टी है। उनके लिए मिट्टी ही सोना है, लोहा भी सोना है। समान हो गया। बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं। रंका बंका की बात आती है ना, महाराष्ट्रीयन संत दोनों जा रहे थे, पति पत्नी त्यागी थे, परम त्यागी थे। तो रास्ते में कुछ सोना वोना कुछ पड़ा था, खबर नहीं। तो पुरुष आगे चलता था, पत्नी पहले के जमाने में तो कोई साथ साथ चलते ही नहीं थे, एक साथ तो नहीं चलते, पति पत्नी ऐसे चलते। पुरुष कितलो आगर चालतो है, पत्नी आगर चलती। गामडा में वाहन होता, तेड़वा जाए, चालीन जाए, પછી તેડી નીકળે એટલે પેલી પત્ની થેલી માથા ઉપર લઈને પાછળ ચાલતી હોય ના, આગળ વાતચીત તો સવાલ જ નહીં। આટલી બધી મર્યાદા કહો તો મર્યાદા, મૂઢતા કહો તો મૂઢતા, જે માનવું હોય, લેકિન આવું હતું। હવે ઓહો, અત્યારે તો આખી વાત જ ચાલી છે, અત્યારે તો આખું બહુ સરસ। આમ મૂંગા રહેવું તો તેડવા શું કામ આવ્યા? કલયુગ મેં તો તપસ્યા કરને કી જરૂરત નહીં, શાદી કર લો। સભી તપસ્યા શાદી મેં સમાહિત હૈ, પરમાત્મા સમાહિત હૈ। બહુ પહેલે કી બાત મેં વિનોદ મેં કહા કરતા ના, કે કિસી ને પૂછા થા કે ये बात कहीं पड़ी थी। तो इसे किसी ने, एक आदमी ने पूछा कि पहले राजपूत युग में जब पुरुष अपनी पत्नी को घोड़े पर ले जाता था तो पत्नी को आगे बिठाता था, वो पीछे बैठता था, और अब स्कूटर पर पुरुष आगे बैठता है और पत्नी को पीछे क्यों बिठाता है? क्या बात है? तो बहुत सुंदर जवाब दिया कि पहले के जमाने में पत्नी इतनी प्रिय थी पुरुष को, और लोग पत्नी का अपहरण किया करते थे, और इतना प्यार था पत्नी के ऊपर कि उसको कोई चुरा कर न ले जाए, इसलिए वो आगे संभाल कर रखता था, और अब पीछे इसलिए रखते हैं कि कोई बलु थयु भागी जंजाल सुखे भजी श्री गो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में घोड़े पर पुरुष पत्नी को आगे बिठाता था क्योंकि पत्नी उसको प्रिय थी, उसको कोई चुरा कर न ले जाए, इसीलिए। अब स्कूटर पर पुरुष आगे बैठता है, पत्नी पीछे बैठती, इसीलिए कि इनको कोई चुरा कर न ले जाए, इसीलिए वो पीछे बैठता। बाप आगे चल रहा है, पीछे चल रही है पत्नी। रंका बांका की कथा है। तो कुछ सोना बेना कुछ मिला रास्ते में, तो पुरुष आगे चल रहा है, उसने लगा कि पत्नी का स्वभाव है, स्त्री का स्वभाव सोने पर पहले जाएगा, और देखते ही वैराग भ्रष्ट हो जाएगी, त्याग छिन्न भिन्न हो जाएगा, इसलिए वो बहुत दूर है, तब तक मैं मिट्टी डाल दूँ। तो सोने पर मिट्टी डाल दी ताकि उसकी दृष्टि में आए ना, वरना उनका स्वभाव है, जाएगा उसके प्रति। इतने में वो आ गई, वो खड़ा रहा कि भूल से भी देख लिया हो और खोले तो। और पत्नी ने कहा आप क्या कर रहे थे? बोले बस ये उस पर यहाँ थोड़ा पड़ा था सोना, तो उस पर। तो पत्नी ने कहा मिट्टी पर मिट्टी डालने से क्या फायदा है, इतने भी आप ना समझे। अरे सोना होता तो मिट्टी डालते समझ में आए, लेकिन मिट्टी पर मिट्टी डालना कोई बुद्धिमानी है क्या? जिसको लोहा कांचन और ये सोने की बात मेरी समझ में, इतनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा इस धातु को मिल गई, लेकिन फर्क क्या है पीतल और सोने में? हाँ फर्क क्या है? पुराना नहीं होता तो भले सही, पुराना नहीं होता तो क्या, लेकिन इतनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा सोने को कारण मिल गई कि लोग इतने सोने के कारण दुखी होते, बाकी क्या फर्क है? कोई पत्नी कहे कि हमको सोने का चैन ला दो, और उसको सोने में पता ना लगे तो उसको पीतल का लेकर दे दो, क्या पता लगता है? क्या पता लगता है? खबर ही नहीं पड़ेगी। जिसके जीवन में ऐसी घटना घटे मिट्टी का, वो लोहा या कांचन सम हो जाए। इससे भी अगली बात
आखिर मैंने ये तीन श्लोक सुने, ये जो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तो प्रश्न के उत्तर में आ गए, इसलिए मैं चर्चा करने लगा। सुहृद, किसी भी स्वार्थ के बिना अपना हित करना चाहता है उसको कहते हैं सुहृद, जिसका अपना कोई हित ना हो, अपने कल्याण के लिए ही अपने के लिए जी रहा है, वो अपना सुहृद है। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। सुहृद जो अपना हित चिंतक है, दूसरा जो मित्र है। तुलसी के दो शब्द याद रखें, पुत्र में प्रीति होती है, मित्र में प्रतीति होती है। सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, विनय पत्रिका। गुहराजा ने भगवान जब सोए हैं तब ठाव ठाव जो पाहरू लगाए हैं इनमें अपने पुत्रों को और मित्रों को लगाया है, क्योंकि पुत्रों में व्यक्ति की प्रीति होती है, मित्रों में प्रतीति होती है। प्रीति और प्रतीति वाले ही सुरक्षा कर सकते हैं, जिसमें न प्रीति है न प्रति, इसलिए गोस्वामी जी दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। मित्र में प्रतीति, सूत में प्रीति, ये तुलसी का सूत्र है। तो भगवान की चौकी में जो लगा दिए हैं उनमें उनके राजा था, कई पुत्र होंगे, उनके पुत्रों को ठाव ठाव लगा दिए, जहां से दरवाजा लगता था, जहां से रास्ते लगते वहां लगा दिए, प्रभु की निद्रा में कोई विघ्न ना हो। और मित्र प्रतीति भरोसेमंद मित्रों को लगा दिए। सुहृद मित्र उदासीन, उदासीन कहते हैं तटस्थ को, तटस्थ न इधर जाए न उधर जाए, तटस्थ उसको कहते उदासीन। न उसको हर्ष है न शोक है, न मित्र है न अरी है, दोनों में जो सम है उदासीन। मध्यस्थ, दोनों पक्ष का हित चाहने वाला मध्यस्थ कहा जाता है, दोनों पक्षों का हित चाहे वो मध्यस्थ, वो बंदर वाली बात नहीं, रोटी के लिए बिल्ली लड़ी और बंदर को बांटने को कहा तो इसका वजन बढ़ जाए थोड़ी रोटी खा जाए, इसका बढ़ जाए ये खा जाए, ऐसा मध्यस्थी नहीं। दोनों पक्ष का हित करने वाला उसको गीता ने मध्यस्थी माना है। श्री कृष्ण मध्यस्थी है गीता में, श्री कृष्ण सबके मित्र है गीता में, श्री कृष्ण सबके सुहृद है गीता में। सुहृदों में, मित्रों में, उदासीनों में, मध्यस्थियों में और द्वेष करने वालों में। जो द्वेष करता है, हर बात में अपना विरोध करता है, हर बात में अपने से उल्टा चलता है, द्वेष के कारण, राग द्वेष के कारण हर बात में जो बिलक चलेगा, और जो अपने बंधु हैं, अपने सगे हैं, अपने संबंधी हैं, वो तदुपरांत साधुष्वपी साधु, साधु में भी और चपापेशु समबुद्धिर विशिष्यते। सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु साधु और पापी, इन सब में परमात्मा विराजमान है ऐसा सोचकर समबुद्धि रखता है वो परमात्मा प्राप्त व्यक्ति है। गीता के इस तीन श्लोक यदि समझ में आ जाएं और इतने लक्षण जिसमें हम देख पाए समझना, वो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति है। साधु में भी वो ईश्वर को देखे समबुद्धि रखे और पापी में भी समबुद्धि रखे, अपने भाई में भी वही भाव रखे और द्वेष करने वाले में भी वही भाव रखे, मित्र में भी यही भाव, उदासीन में भी यही भाव, सुहृद में भी यही भाव और मध्यस्थी में भी यही भाव।
सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान में जिसकी चित्त वृत्ति चलित नहीं होती, जो स्वाधीन है, ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है, अपने को तृप्त करने के लिए भरने के लिए उसको कोई और जरूरत नहीं बची है, विकार मुक्त है, स्वाभाविक जिसकी इंद्रियां स्वस्थान में लौट आई है, विजितेंद्रिया लोहा कांचन और मिट्टी का वो जिसको समान दिख रहा है, ये सब ईश्वर प्राप्त व्यक्ति के लक्षण है। गुह दुखी है, ईश्वर निकट होते हुए भी अभी परमात्मा का पूरा मर्म, परमात्मा का पूरी पहचान, पूरा का पूरा परमात्मा नहीं पाया। तो जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में इतना ही कहना, फिर यही चौपाई दोहराऊं। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। सुखम आस्ते सुखम शेते सुखम आयात सुखम याते सुखम वक्ति सुखम भुक्ते व्यवहारेपि समतेरा। श्लोक है अष्टावक्री गीता का। कौन है ईश्वर प्राप्त? जनक। परमात्मा किसको मिल गया? किसने ईश्वर के हाथ हाथ पकड़ लिया? परमात्मा का गठबंधन हो गया परमात्मा से। अष्टावक्र कुछ बिलक लक्षण बता, और सब राम जी में दिखाई देते हैं। देखिए अब राम शयन में सब दिखाई देता है, लक्ष्मण जी में सब लक्षण दिखाई देते। कौन है ईश्वर प्राप्त? जिसका बैठना भी सुख से हो, जिसका सोना भी सुख से हो, जिसका आना भी सुख से हो, जिसका जाना भी सुख से हो, जिसका बोलना सुखम वक्ति, जिसका बोलना जिसका वक्तव्य सुख के कारण हो, सुखम भुक्ते कुछ भी भोगता है खाता है पीता है उसके पीछे भी सुख है, समग्र व्यवहार में सुख ही सुख अनुभव करता है, वो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति है। जनक उसने हरि को पा लिया है। हर घटना में जिसको सुख, और हमारी हर घटना में दुख। उठो तो बैसो तो हाँ दुख ही दुख, खाओ तो क्या तू क्या कर रहा है? गोड़ा पतोगे गर्म लागे, खांडा पतोगे सर्दी लागे, तेना आप पूछो। पूरी बनाओ तो रोटली नहीं बनावे, रोटली बनाओ तो पूरी नहीं बनावे, लाडू पीरसो तो शीरो नहीं, बधू बराबर हो तो पंगे ताम केम करी। अबे ये तू बधू कर ले, अबे सुख ही नहीं। इतना सुख जिसके हर प्रक्रिया में व्यवहार पे सब व्यवहार करते पर भी वो पा गया है। जिसका बैठना सुख से है, महापुरुष बैठते हैं तो सुख से बैठते, उसका सुखासन होता है। उठता है तो मैं पहले कहा करता ना स्वामी राम तीर्थ की, वो स्वामी आनंद की बात है, स्वामी आनंद जी, आनंद जी का हाल मस्त माल मस्त चाल मस्त महात्मा। कई कई लोग होते हाल मस्त होते हैं, अच्छी स्थिति हो तो है लहर मां निकले। मन डोले मेरा हाल मस्त अरु मन 24 कलाक डोले छे ने मतु गाजे छु हाल मस्त होते। कुछ अच्छी अच्छी घटना घटी, कुछ लॉटरी वॉटरी लग गई, कुछ ठीक हो गया, कुछ ने अच्छे शब्द बोल दिए, हाल मस्त होते। लेकिन कई लोग माल मस्त होते हैं, सगवड़ हो जाए, पैसे हो जाए, माल मस्त, पैसे हो तो मस्त चलता है, किसी को दिखता है वैसे माल। कई लोग हाल भी ना हो ठीक से, माल भी ना, लेकिन चाल मस्त हो, हालता हो नेहरू की तरह। उसकी चाल चाल इसकी अपने में था कि
जो याद करी आने चाल मस्त होते हैं। कई लोग चाल मस्त चाल भारी जाओ ऐसे चलेंगे लोग मणसों ने चाल जुआ जीवी हो बता मणसों चाल जो घना ये रीते चलता है घना इतना स्पीड में नाना नाना पगला पर हम अनंत का केम गियो आ गणेश नु वाहन से शो छे मैं देखता हूँ मैं दृष्टा हूँ दर्शक हूँ मैं देखता बहुत पढ़ता कम हूँ बांधता कम हूँ देखता बहुत मुझे बहुत बड़ा आनंद आता बहुत अच्छा ये सबकी अपनी वो भी मौलिक होनी चाहिए उसमें फेरफार मत करना। कई लोग चलते तो बड़े बड़े लंबे लंबे चलो हमारे एक हमारा माल सर नहीं सर थे बहुत सरस था एक भाई मड़वा में उभा थे तो अपने हम लगे धनुष तोड़वा ऐसे 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 लगा चाल मस्त होते भगवान सोचिए तो कभी प्रभु को कह सपने में तो दिखा कि भगवान कृष्ण कैसे चलते होंगे व्रज निछावर हो जाता था जिसकी चाल पर राघव कैसे चलते होंगे नव गयंद रघुवंश मनी राज अलान चाहे वो धनुष भंग के लिए उठते हो चलते हो चाहे वन के लिए चलते हो दोनों समय उसकी चाल देखने योग्य थी। चाहे अहल्या के द्वार चाहे कौशल्या का द्वार हो इनकी चाल देख के ठाकुर की चाहे बचपन हो चाहे वो हो गोस्वामी जी तो निछावर हो गए उनकी चाल पर चलत करत बुलावत राजा नहीं आवत तज बाल समाजा कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमक ठुमक प्रभु चलगी निगम नेति शिव अनंत न पास ताही धरे जननी कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई। भगवान का चलना यानी कई लोग चाल मस्त होते हैं कहीं लोग हाल मस्त होते हैं कहीं लोग माल मस्त होते हैं। स्वामी आनंद का ही कहा हुआ तो फिर एक जगह एक माताजी ने हमको पूछा कि बापू तीनों जिसमें हो उसको क्या कहते हाल भी अच्छे हो अच्छी हाल में अच्छी स्थिति में हो साधना की भजन की या तो किसी भी और माल मस्त भी हो बहुत साधना हो बहुत ज्ञान हो बहुत समझ हो यही अर्थ में माल हो और चाल मस्त भी हो चाले तो भी देखने योग्य हो ये तीनों जिसमें हो उसको क्या कहे। मैंने कहा उसको कमाल मस्त कहो
वो फिर कमाल मस्त है, वो कमाल है, उसका कोई उपमा नहीं उसका कोई। जो बैठे सुख से, सोए सुख से, आए सुख से, जाए सुख से, बोले सुख से, सुखम वक्ति सुखम भुक्ते अष्टावक्र, उसका वक्तव्य सुख से निकलता हो, उसका कुछ भी भोजन आदि जो कुछ कुछ वो सांसारिक व्यवहार करता है, खाना पीना, वो भी सुख से हो, प्रत्येक व्यवहार जिसका सुख ही सुखमय हो, वो परमात्मा प्राप्त व्यक्ति। बिना सोचे बिना सुख उसका कुछ नहीं हो सकता। हम और आपके जीवन में कई बात सुख से नहीं हो रही, सब मूर्छा में हो रही है। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, सायंकालीन सभा थी, तो एक आदमी एक भिक्खु सामने बैठा था, सुन रहा था और पैर का एक अंगूठा हिला रहा था, सुनते सुनते स्वाभाविक है, बैठा है और कोई भगवान बुद्ध कोई गा तो नहीं रहे थे कि गान में अंगूठा हिले या तो कोई ताल दे, प्रवचन चल रहा था, सूत्रात्मक चर्चा हो रही थी, तो वो बैठे बैठे अपना पैर का अंगूठा हिला रहा था। बुद्ध की दृष्टि गई, बुद्ध ने पूछा कि तो अंगूठा क्यों हिला रहा, तो उसको पता लगा मेरा अंगूठा हिल रहा है। बोले हाँ तू हिला रहा, क्यों हिला रहा? बोले खबर नहीं। बोले तेरा अंगूठा तुझे खबर होनी चाहिए, क्यों हिला? बोले महाराज ये प्रश्न मत पूछो, हमको पता नहीं, हमको उलझन में मत डालो, हिल गया हिल गया, अब नहीं हिल रहा। तो बुद्ध ने पूछा अब हिलता बंद क्यों हो गया? तब उस शिष्य ने कहा हमारी सब प्रक्रिया मूर्छा में हो रही है, सभानता में नहीं। ईश्वर प्राप्त व्यक्ति वो है सोएगा सुख में, बोलेगा सुख में, खाएगा सुख में, पिएगा सुख में, जाएगा आएगा सब घटना सुखमय होती है, वो है ईश्वर प्राप्त व्यक्ति। लखन जी ने देखा प्रभु सो गए हैं, आज जल्दी सो गए हैं। जनकपुर में जो निंद नहीं आई, अवधपुर में जो निंद नहीं आई, वो बहुत स्वाभाविक रूप से श्रृंगवेरपुर में निंद आ गई। यहां राम जी को निंद आई थी, आपको आती है सबको? यहां आने के बाद भी है, ये भूमि है, यहां सो जाओ। मैंने कई बार कोई कोई जगह पर कहा है ऐसी ये भी भूमि है, यहां सोना भी भजन है, यहां सोए रहो तो भी भजन, कुछ हो भजन जब जाप तो अच्छी बात। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़ दो, कि बापू ने कहा बस अब सोए रहो, इसका मतलब नहीं, लेकिन यहां सो जाना भी भजन है, स्वाभाविक है, बहुत प्यारी भूमि है ये। तो ठाकुर जो सुख स्वरूप है, परमात्मा स्वयं सुख निदान है, वो परमात्मा जल्दी सो गए। लक्ष्मण जी ने ये देखा कि भगवान सो गए, तब लक्ष्मण जी उठे। गोस्वामी जी कहते उठे लखन प्रभु सोवत जानी, उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिव सोवन कभी सचिव सोवन मृदुपा। अयोध्या का ये वयोवृद्ध प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव श्री सुमंत महाराज, जिसको राम जी पिता कहते थे, लखन जी ने देखा सुमंत महाराज नहीं सोए हैं, उठे प्रभु के पास से, जरा भी आहट न हो ऐसे, ठाकुर की निंद में बाधा न पड़े ऐसे, और गए सुमंत के पास। चुपचाप सुमंत देख रहे सब, जाकर प्रणाम किया, महाराज हाँ, मृदु वाणी में प्रार्थना करने लगे आप सो जाइए। मृदु वाणी का अर्थ कोमल वाणी तो है ही, यहां मृदु वाणी का अर्थ होता है धीमी वाणी में बोले
ताकि हमारा वार्तालाप सुनकर सरकार जाग न जाए। श्रेष्ठ सोए हैं तो उसकी निंद में बाधा न पड़े, इसलिए किसी से बात करनी पड़े तो कैसे की जाए उसका व्यावहारिक दृष्टांत बता रहे। कही सचिव सोवन मृदु बानी, मृदु बानी में, धीमी बोली में, शांत स्वर में, धीमे स्वर में कहा, महाराज आप भी तो सोइए। लखन समझते हैं सुमंत की वेदना को, कैसे सोए। आधी रात निखंड की, लोग नगर के सोए, लेकिन जिसको चिंता यार की वो कहां से सोए। प्रभु का शयन सुमंत नहीं सह पा रहे, लेकिन लखन जी ने आग्रह किया आप सो जाए। और गोस्वामी जी आगे बोले, कछुक दूरी सजी बान सरासन जागन लगे बैठ बीरासन, कछुक दूरी सजी बाण सरासन जागन लगे बैठी बीरासन। यहाँ सुमंत जी को सोने का आग्रह किया मृदुबानु में, यहाँ ठाकुर स्वयं सोए हैं, और वहां से थोड़े दूर जहां से परमात्मा को ठीक से देख सकें और परमात्मा की निद्रा में मेरे जागृति के कारण कोई बाधा न पड़े, इतनी दूरी कछु का नाप करके देखो, किसी को ठीक से पाने के लिए ये जो दूरी दिखाई गई, ये दूरी इतनी आवश्यक है, ये जरूरी है। कछु का दूरी बान सरा से थोड़े दूर धनुष बाण को ठीक करके सजीबान सरासन जागने के लिए श्री लक्ष्मण जी थोड़े दूर विरासन में बैठ गए। विरासन में माने सावधान में, सावधानी मुद्रा में बैठ गए। विरासन जो एक प्रकार का आसन है उसी में बैठ गए। भगवान को कोई हिंसक प्राणी निंद में बाधा करे या कुछ ऐसा हो इसलिए धनुष बाण लेकर बैठे, ठीक है। अपना जागने का व्रत है इसलिए बैठे हैं, ठीक है, जागने का व्रत है उसका इसलिए सावधान बैठे, धनुष बाण वो करके इसलिए जाग रहे हैं सावधान होकर कि मुझे गुह को बोध करना है। जिसको बोध करना है, जो बोध देने वाला है उसको सावधान होना चाहिए। उसके धनुष बाण ठीक से सजे हुए, धनुष बाण क्या है लंका कांड को पूछिए, क्या है धनुष बाण, संजम निया सिली बीरति चरम संतोष ज्ञान बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन गोदन। विज्ञान ये धनुष है, समझम नियम आदि ये शिलीमुख बाण है। दूसरों के मोह को जिसको मिटाना है उसको सावधान होकर बैठना चाहिए, संयम नियम के बाण को तैयार रखने चाहिए और विज्ञान का धनुष
तैयार होना चाहिए और जागना चाहिए। जो जागता है वही दूसरे को जगा सकता है, सीधी सी बात है। दूर सावधान होकर लखन बैठ गए प्रभु की चौकी के लिए, अपना व्रतारंभ आगे गोस्वामी की। गुहल बुलाई पाहरु प्रतीति, गुहल बुलाई पाहरु प्रतीति, लक्ष्मण जी इस तरह बैठे और गुहराज ने जिसमें प्रीति है ऐसे पुत्रों को, जिसमें प्रतीति है ऐसे मित्रों को बुलाकर ठाव ठाव लगा दिए, चौकी लगा दी। प्रभु की निंद में बाधा न हो, भगवान की निंद में कौन बाधा कर सकता है, उसको कोई चौकीदारी की जरूरत नहीं। लेकिन गुह को लगा कि सेवा का अवसर मिला है तो कौन चूके। मुझे वो स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज ब्रह्मलीन की बात याद आ रही है। वो कहते हैं कि एक बार मैं गाड़ी में प्रवचन करके जा रहा था, आगे बैठा था, पीछे जिसने प्रवचन का आयोजन किया वो गृहस्थ परिवार बैठा था। तो गाड़ी एसी थी, गर्मी के दिन थे, एसी चालू था, कोई गर्मी का प्रश्न नहीं। फिर भी पीछे बैठने वाला गृहस्थ पंखा लेकर मुझे डाल रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब ये एसी चल रहा है पंखा, बोले यंत्र अपना काम करे लेकिन हम अपनी सेवा क्यों गवाएं। हमको जो मौका मिला है, हमको जो सेवा, लेकिन ऐसा अवसर आए तो फिर वो मना करे तब मना हो जाना चाहिए। इतर के नहीं नहीं तुम्हारू जे था वो था, बाकी हमें तो परिवार में महात्मा प्रति वर्ष आते थे, उनके गुरु तो वो वैशाख में आते थे। तो वो पति पत्नी देहात था तो एक नीम का पेड़ था, उनके नीचे पलंग डालते थे, बिठाते थे, गर्मी के दिन थे और देहात में पंखा बंखा वो पुराना जमाना। फिर महाराज जी को भीगा धोती वादी सब उड़ाते, अगल बगल में पानी छिड़क देते, पूरा पानी पानी कर देते, पलंग पर भी पानी डालते। महाराज जी ने बोलो धोती ऊपर बांधवानो तो ये भेनू कर घड़ी घड़ी बदले, ऐसी सेवा करे। दोनों प्रतिवर्ष महात्मा आए और ऐसा करे, और अंतिम क्षण दोनों की आई तो अपने बच्चों को कहते कि देखो अपने गुरु आएंगे उसकी सेवा हमारी तरह करना, चुकना मत, ये हमारी परंपरा। बोले तुम्हें तुम्हारा जीवन गति करो, चिंता न करो, हम परंपरा को निभाएंगे। अरे एक साल के अंदर दोनों गए और उसके बाद वो महाराज वैशाख के बदले पोष महीने में आया, कड़ी भयंकर ठंडी, कड़ाके की सर्दी। इन लोगों ने चार पाई डाली नीम के पेड़ के नीचे। बापू ये की दुख भाई, मैंने अंदर मैंने अंदर भाव से अंदर नहीं 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 बापा, रघुकुल रीति सदाचर्या, हमारी जो परंपरा है, हमारे बाप दादा का संकल्प है, गुरु महाराज की सेवा जिस ढंग से हमने की वैसे करना। ठीक, रात का समय, धोतियान चादर ने बधु भीनू करी लाए। महाराज के तुम्हारे शू वात, तुम्हारा बाबा पूजी गया है, मने न्या मुकलो से सीख लेवा दक्षिणा ले, तुमने इरादा क्या रखा। बोले नहीं आप बोलना मत, आप तो समर्थ है, आपको शीतोष न, आपको क्या लेना देना है इससे।
भीगा धोती ऊपर लपेटा कुर्ता भीगा, पत्नी घड़ा भर भर कर पानी चारों ओर पानी पानी, अने खुल्लू मैदान ने ओतरा दी वायरा उठो उठो। उत्तर दिशा नो वायरो हिमालय थी सीधो डायरेक्ट पवन, लीमड़ो ध्रुजे महाराज ध्रुजे आखो खाटलो ध्रुजे, अने सेवा करे राजी थाय बापू नी लीला। अरे लीला के मारी राखो तो महाराज जी के सेवा का अर्थ है आज्ञा सम नस साहिब सेवा सो प्रसाद जन पाए। आज्ञा के समान संसार में कोई श्रेष्ठ सेवा नहीं। जिसके चरण में हमारी श्रद्धा हो, जो ज्येष्ठ हो श्रेष्ठ हो इष्ट हो, उनकी आज्ञा का शत प्रतिशत पालन करना, इससे सबसे इससे बढ़िया विश्व में गोस्वामी जी का रामचरितमानस कहता है कोई सेवा। आज्ञा न माने तो कोई सेवा नहीं। गुजराती में एक पंक्ति है कवि काक की लिखी हुई, माड़ी तारी छबियो घर मां छोड़े पण की धेल तारू नव करे। तेरी तस्वीरें दीवार पर रखते हैं लेकिन तू जो कहता है वो मानने को राजी है, और सोचते हैं कि उसको कहाँ पता है उसको मैंने सुख बार नहीं, ऐसा नहीं। माड़ी तारा बैसना गढ़ गिरना नवे खंड पड़े। आज्ञा के समान सेवा नहीं। आदेश माने आदेश, बात खत्म। बहुत कठिन है बात, इसलिए शायद सेवा धर्म कठिन जग जाना, इसलिए सेवा धर्म को बड़ा कठिन माना गया है, बहुत मुश्किल माना गया। तो ब्रह्मलीन स्वामी जी कहा करते कि मैं एसी गाड़ी पे बैठू तो भी वो मेरे शिष्य लोग बोलते हम यंत्र तो काम करा लेकिन हम अपनी सेवा क्यों गंवाएं। आज गुह को लगा प्रभु की चौकीदारी की क्या जरूरत, सबके रक्षक तो वो ही है, और जहां श्री लक्ष्मण जी विराजमान है फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं। महाकाल जिसकी चौकी करे उसको कौन खतरा, लक्ष्मण जी तो शेषावतार काल है। जो साहस शीश अहीस महि धर लखन सचराचर सुर काज धरि नर राज तन चर दल फल निश्चर श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी हो सुजति जग पालक भरति रुख पालक पानी दान। जो साहस शीश अहीस महि धर लखन सचराचर धरि राज धरी नर राज तनु चले दलन खल निश्चर। फिर भी गोह को लगा कि लक्ष्मण जी तो सुरक्षा में लगे हैं लेकिन हम अवसर क्यों गवाएं, इसलिए ठाव ठाव जगह जगह पर जिसमें उसकी प्रीति ऐसे पुत्रों को लगा दिए, जिस पर उसका भरोसा प्रतीति ऐसे मित्रों को। दूसरा कारण गोह को लगा कि प्रभु सोए और आज का दिन आज की रात आज का अवसर, कल जागने के बाद खबर नहीं क्या निर्णय हो, रहेंगे चले जाएंगे क्या खबर, और ये अवसर मिला है मैं जागूं मेरा नगर भी जागे, ये जागने का अवसर है। कम से कम चौकी के बहाने ये सोए हुए राम भद्र की झांकी करे तो मेरी गरीब जनता कृतकृत हो, ये मेरा प्रदेश जो है हम जो साधनहीन है निषादो जीव हिंसक जो हमारे लिए एक टाइटल लग गया, हम ऐसे लोग जो है कब कृतकृत्य होंगे, एक ही तो मौका है। चौकी करने के बहाने कम से कम सब जागे, सबकी जागृति हो।
हम सोए हम मूड हम निपट गवार, ऐसा अवसर कब आएगा, इसलिए जागे। अथवा तो हर्ष के अवसर पर नींद कहाँ आती है, जब बहुत हर्ष होता है व्यक्ति को तब नींद नहीं आती। मास दिवस कर दिवस भाव, राम जन्म हुआ गोस्वामी जी कहते हैं एक महीने तक कोई सोए नहीं, दिन ही दिन रहा, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। एक महीने तक, क्योंकि हर्ष के दिन में नींद कहाँ आती, ये अवसर था। कल चले जाएं फिर अवसर कब मिलेगा। गुजराती में लोगो कहे सोनानी सांकड़ो थी खेचो तो ही ना आवे, याद करुणा ना प्रेम ना धागे बंधाई रहे। हम जैसो के सामने से आए सुर सर तीर आप बर बस राम सुमन पठाए, सुर सर तीर आप तब। यही है रामचरितमानस की क्रांति, किसी ने कहा नहीं, स्वयं चले जाते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया हरीश मूक पर्वत, समाज के सुग्रीवों के सामने भगवान तुरंत चल दिए, बुलाया नहीं सुग्रीव ने, अहल्या ने बुलाया नहीं। धनुष यज्ञ सुनी रघु कुलनाथा तो हर्षी चले मुनि बर के साथ। करुणा जब उमड़ती है तब कोई प्रतिबंध नहीं रहता। रावण ने कहां बुलाया तो सेतु बना कर गए, अपनी ओर से सेतु निर्माण किया कि जाना है बस। कैसे करुणा जब फूटती है कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं। क्रोधी आदमी होता है ना वो क्रोध करने के बहाने खोज लेते हैं, और करुणावान आदमी करुणा करने के बहाने खोजते। गुस्सा वाला मानसो तुम्हें जो जो खींच करी हो बहाना शोधे, काई नो तुम्हें नेपकिन नहीं थे मुकुल न्या क्या मुक्यो, बहाना खोज। क्रोधी क्रोध के बहाने खोजेंगे, करुणा मूर्ति करुणा के बहाने खोजेंगे। उत्तरी छोटी छोटी घर में परिवार में देखिएगा ना, रिहाड़ जन प्रकृति हो गुस्सा हो बहाना खोज। प्रभु बहाने खोज रहे करुणा के कारण, ये अवसर फिर हमको कब मिलेगा। जन्म जन्म हम सोए रहे लोग, सबको जगाए सबको जागृत रखो बाबा। आप लखन कटी भाति सर चाप चढ़ाई। सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिए, फर्ज पर तैनात कर दिए, और स्वयं लक्ष्मण जी के पास गया। और लक्ष्मण जी तो राजकुमार है, इनके पास तो सरासन है, बाण है, वो अस्त्र शस्त्र है, लेकिन ये तो एक निषाद है। इसलिए गोस्वामी जी कहते कटी भाथी, छोटे छोटे बात है, छोटे छोटे धनुष बाण उसके समान नहीं। गुरु के पास होता है वो शिष्य के पास नहीं होता, और शिष्य चाहता है मेरा साधन गुरु से कम हो, मेरा साधन छोटा हो, यही एक एक उसके पीछे संकेत है। कटी भाथी का अर्थ है छोटे छोटे बात है, छोटे क्षत्रियों की तरह नहीं। कटी भाथी सर वही धनुषमान चढ़ाए हुए बैठे हैं, मानो गुरु जिस तरह बैठा है वैसे स्वीकारने के लिए शिष्य भी बिल्कुल तैयार सावधान बैठा है। लक्ष्मण जी को ज्ञान योग कहना है, भक्ति योग कहना है, वैराग्य कहना है, सावधान होकर बैठा है, जैसे लखन जी बैठे हैं वैसे खुद बैठा है।
सोवत प्रभु ही निहारी निशारु भयनु प्रेम बस हृदय निशादु। परमात्मा को सोते हुए देखकर निषाद राज को प्रेम के कारण गोस्वामी जी कहते हैं हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। प्रेम के कारण प्रभु के प्रति उनकी प्रीति है। वाल्मीकि में तो बोला है लक्ष्मण जी के सामने कि कसम खाकर बोलता हूं कि राम को देखने के बाद राम से इस विश्व में मुझे कोई प्रिय नहीं है। मेरी कसम आपके सामने राम के समान अब मुझे विश्व में कोई प्रिय नहीं। ऐसा उनका प्रियतमा सोया है भूमिशयन। उस प्रेम के कारण उसके हृदय में विषाद प्रकटा है। बाबा बोल तन पुलकित जलु लोचन बहई बचर सप्रेम लखन सर कहई। प्रेम के कारण विषाद हुआ परिणाम सब भाव महाभाव के कुछ लक्षण गुह में आने लगे। शरीर में रोमांच पुलकित हुआ, नेत्रों में आंसू बहने लगे, रोने लगा आदमी और लक्ष्मण जी के सामने वो कुछ वचन बोलने के लिए तैयार हुआ। बाबा बोले भूपति भवन सुहाय सुरपति सर महाराज। दशरथ जी महाराज भूपति हैं, भूखंड के पृथ्वी के पति हैं। उनका भवन स्वाभाविक सुंदर है। ये गो को कहां कैसे पता लगा कि भवन स्वाभाविक सुंदर? सदा रहूं पुर आवत जावत। ये उत्तरकांड वाली घटना तो राम का वचन था, लेकिन इससे पहले भी उसका अयोध्या में आना जाना चालू रहता था। राजा के भवन को उसने देखा है, स्वाभाविक सुंदर भवन है। सुरपति सदर न पट तर, ऐसा महाराज दशरथ जी का भवन कि सुरपति इंद्र का महल भी उसके सामने कुछ नहीं, उसकी तुलना में उसकी गिनती में उसका कोई मूल्य नहीं। ऐसा महाराजा का भवन है गो कह रहा। मनी माये रचित चारु चौबारे मणिमय रचित चारु चौबारे जनु रतिपति निज हाथ सवार। चौबारे मानी बार मानी द्वार चौबानी चार, चारों ओर जिसके दरवाजे हैं ताकि हवा का यातायात कहीं रुके ना। मणिमय चौबारे ये जो द्वार है, हर जगह जो द्वार लगे हैं इस स्वाभाविक सुंदर भवन में, महाराज दशरथ जी के भवन में उनका देखा हुआ है मणिमय है, सुंदर है। और देखने से लगता है कि दुनिया का कोई कारीगर नहीं बना सकता। जनु रतिपति निज हाथ सवारे। सब देवताओं में सबसे सुंदर कामदेव है और कामदेव ने मानो इस चौबारे को अपने हाथ से संवारा हो, ऐसा सुंदर महाराज का भवन। सुचि सुविचित्र सुहोग मय
मंजु मणि दीप जह सब विधि सदर सुपा सुचि सुगंध सुभोग माय सुमन सुजन सुगंध सुबास पलंग मंजु मणि दीप जह सब पहले भवन की बात की और इसकी रमणीयता को इसकी सुंदरता को अंतिम कहने के लिए मानो लगता है कामदेव ने अपने हाथ से संवारा है। वहां अब पलंग की चर्चा कर रहे हैं, इस भवन के अंदर जाकर कुछ दिखा रहे हैं। पहला शब्द सूचि है तो सब सुविधा, लेकिन उद्घाटन करते हैं सूचि शब्द छे भवा सूचि सुचिचित्र सुभोग माये सब वस्तु है, सब कुछ है, लेकिन उद्घाटन हुआ सूचि पवित्र से। जो जो चीज वस्तु है सब पवित्र है। विचित्र है, देखने योग्य है, अहोभाव निकल जाए ऐसा ऐसा आहा विचित्र है सब। सुभोग भाई जो चाहिए वो मिलता है, ऐसा महाराज का भवन, जो खाना चाहे जो पीना चाहे सब कुछ सुभोगमय। सुमन सुगंध सुबास फूल मालाएं लगी हैं, सुंदर सुंदर फूल, उनकी सुगंध सुपास चारों ओर फैली हुई है। पलंग मंजु मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास सुमन सुगंध सुवास चारों ओर फैल चुकी है और पलंग में भी मणि लगे हुए, सुंदर मणि लगे हुए, और दीपक भी मणिमय है। न बाती चाहिए न और कुछ चाहिए, मणियों के दिए। और गोस्वामी जी कहते सब सब प्रकार से सुविधा से भरा हुआ ये महाराजा का भवन। आज गुह को राम का साथरी शयन देख करके याद आया। विविध बसन उपधान तुराई चीर फेन मृदु विसर चीर फेन मृदु विसर सुहाई। महल का वर्णन किया गुह ने, जो देखा वो बोल रहा है लक्ष्मण जी के सामने। फिर अंदर पलंग का वर्णन किया, पलंग के अगल बगल में जो सुविधा युक्त वातावरण है उसको पवित्र भाव से पेश किया। अब पलंग के ऊपर की वस्तु गिना रहे, बसन वस्त्र लगे, उपधान, उपधान का अर्थ है तकिया, जिसका आधार लेकर आदमी सोता है बैठता है, उपधान। और तुराई, तुराई मानी गुजराती में कहो तड़ाई, तड़ाई जैसे बिछाने का वस्तु। वहां महाराज के भवन में कैसा पलंग, कैसा उपधान, कैसा बसन, कैसी तलाई, कैसी यानी बिछाने की चीज। चीर फैन मृदु पवित्र सुकोमल और सुंदर दूधना फीण जेवी चादरों बिछा। भगवान की सब चीजें सफेद बताई गई है, चीर फैन दूधना फीण जो अपने केवी चादर बिछाई दूधना। शुक्लांबर धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नोः शान्तये। शुक्लांबर धरम सफेद वस्त्र और क्षीर फेण, क्षीर सिंधु में रहते हैं तब जो क्षीर फेण उठता है तरंगायत होते हैं,
और ये क्षीर दूध के फैन जो उड़ उड़ करके समंदर तो तरंग आए थे, उड़ उड़ करके शेष की पथारी पर आ जाते थे, और ये शेष की पथारी पर लग जाते तो शेष की पथारी पर मानो दूध के फीन की तरह चादर बिछाई हो। वो गुह को याद आया, उसको क्षीर सिंधु का निवास भी स्मरण है और आज दशरथ भवन का विश्राम भी याद, इसलिए बोले क्षीर मृदु विसद सुहा। सफेद रंग सात्विक रंग है बाप, आपको कपड़े कैसे पसंद पड़ते हैं रंग पर से लोग मानसिकता की फर्क करते हैं। हाँ ध्यान देना, आदमी कपड़े किस किस प्रकार के पहनते, किस रंग के पहनते, उस पर से यानी किस रंग के कपड़ों पर हमारी ज्यादा रुचि, वो हमारी मानसिकता की फर्क है। प्रभु या तो पीत वस्त्र पहनते हैं या तो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, परमात्मा के वस्त्र उनकी, क्योंकि श्वेत रंग ये जरा हंसों और परमहंसों का रंग है। ठीक है, बगुला नकल जरूर करते हैं, बगुले भी तो श्वेत होते हैं, लेकिन वहां उनकी श्वेतता वो कोई गहरी श्वेतता नहीं, ऊपर ऊपर की है। चीर राम सयन निशिकर निज छवि रति मनोज मन भर। ऐसी शैया पर सीताराम शयन करते हैं, गुह लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, और उस शयन की छवि देखकर लगता है कि जिसकी छवि देखकर रति और कामदेव दोनों वो हो जाए, ऐसी उसकी सुंदरता। मैंने अभी कहा कि देवताओं में कामदेव ज्यादा सुंदर, लेकिन कामदेव की छवि भी हर ली जाए ऐसी सुंदर सीताराम जी की। सुंदरता कहूं सुंदर कर ही छवि ऐसी शैया पर सीताराम जी सोते हैं, जिसकी छवि देखकर कामदेव और रति भी वो हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को गुह ने देखा है। ऐसे परमात्मा साथरी पर सोए हैं, कोई वस्त्र ओढ़ने का नहीं कि कुछ ओढ़े, कुछ नहीं है। मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जाता, ये देखना मुश्किल पड़ रहा है, गुहराज के लिए अपना विषाद पेश कर रहा है। मातु पिता परिजन दास अरुदासी जोगवही जिनहि प्राण की नारी महि सोवत ते राम गोसाई महि सोवत कहता है। माता पिता परिजन यानी कुटुंबी जन और नगर के वासी सखा लोग, सुशील समझदार लोग, सुशील सखा लोग और दास और दासी, सुशील सुशील तीनों जगह, सखा सुशील दास अरुदासी, सुशील सखा सुशील सेवक सुशील सेवकिनी, परमात्मा को प्राण की तरह उसका लालन पालन करते। माता से शुरू किया, सबसे पहले माँ इतना प्यार करती है, फिर पिता, फिर कुटुंबी जन, फिर नगरवासी और भगवान के मित्र सुशील लोग, और फिर
दास और दासी प्रभु को प्राण की तरफ प्रेम करे, ऐसे परमात्मा आज धरती पर सोए। वो तो गोसाएं हैं, इंद्रियों के कारण, इंद्रियों वश में है उनके, वो कहीं भी सो सकते हैं, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। मही सोवत ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाउ ससुर सुरेश सखा जानकी जी के पिता महाराज जनक, जिसको जगत में पूरे संसार में जिसका प्रभाव विदित है, और ससुर सुरपति के मित्र हैं, इंद्र जिसका सखा है, और पति रामचंद्र पति सो वैदेही सोवत मही के। जानकी के पिता कितने महान प्रतापी, इनके ससुर महाराज दशरथ जी सुरपति के मित्र, और रामचंद्र जो ब्रह्मांड के नायक वो उनके पति हैं, ऐसी जानकी को धरती पर सोना पड़ रहा है। विधाता किसका वाम नहीं होता, जानकी के लिए विधाता जो वाम होता है तो दूसरे के लिए विधाता वाम ही है, अक्षेप किया विधाता, विधि किसका वाम नहीं होता। राम और जानकी के भी विधि वाम हो गया तो और की क्या गिनती। जहां जानकी इस तरह सो रही है, विधाता सबका वाम है। बाबा बोले सिय रघुबीर की कारण जो सिय रघुबीर कारण जो करम प्रधान सत्य कहलो करम प्रधान सत्य कहलो। गोराज कहने लगा हे लक्ष्मण जी, सीता और रघुवर कानन के योग्य हैं, वनवास के योग्य हैं ये, लेकिन कर्म प्रधान सत्य कहलो। गोराज बोल गया कि लोग सब लोग कहते हैं सही बात है कि जगत में कर्म प्रधान है, यानी इसका मतलब कि कोई कर्म का ही परिणाम होगा। गुह को बेचारे को अभी पता नहीं कि उसके कर्म उसके जन्म सब दिव्य है, उनको कोई कर्म बरम लागू नहीं होता, लेकिन कर्म प्रधान सत्य कहलो। विधाता ने ये सब क्या किया, कर्म प्रधान है, कर्म के कारण ये सब होता है, और फिर विधाता उसके अनुकूल वो करने लगता है। गुह राजा बोले जा रहा है, बाबा बोले कहे कहे नंदिनी मनमती कठिन कुटिल परकीन जे रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। विधाता वाम हुआ एक बात, दूसरी बात कर्म प्रधान है, और फिर आगे गुह बोला लक्ष्मण जी के सामने कहे कहे नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल परिचय दिया कैकेयी राजा की बेटी। कैकेयी नंदन कैकेयी नंदिनी ऐसा शब्द जब प्रयोग, नंदन शब्द प्रयोग लगता है जब, तब समझना जिसके नाम के साथ नंदन शब्द लगे उसको आनंद देने वाला माना जाता है। कैकेयी नंदिनी मानी कैकेयी को, कैकेयी राजा को आनंदित करने वाली।
कैकई ने अपने पिता को राजी किया, अपने कैकई देश को राजी करने के लिए कठिन और कुटिल पन किया। कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पन किया। और ये रघुनंदन है जो पूरे रघुकुल को आनंद देने वाले, पूरे जगत को आनंद देने वाले ऐसे रघुनंदन और जानकी को सुख के अवसर में दुख दिया। अभी तो सुख के दिन थे उनको, ऐसे अवसर में लक्ष्मण जी इस कैकई नंदिनी ने राम और जानकी को दुख दिया। ब्याह कर आए, कितना समय गया और वनवास दे दिया। हम गरीब लोग, हम गवार लोग, निपट गवार लोग, लेकिन हमारे यहाँ भी कोई पुत्र पुत्रियों का लग्न होता है, शादी होता है, तो जब उनके सुख के दिन होते हैं तब हम उनको मजदूरी में भी नहीं भेजते, उसको कहीं दुख ही नहीं करते। और ये कैकई नंदिनी ने क्या किया, सुख अवसर दुख दे। जब सुख का अवसर था तभी उसने उसको दुख दिया। फिर आगे बोला, भाई दिन कर कुल बिकप कुमती कीन सब विश्व दुखारी, कुमती कीन सब विश्व दुखारी। पहले तो राम लक्ष्मण को दुख दिया, एक बात कही गुहराज, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी, सीताराम को दुख दिया कहके। दूसरा दुख, भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, पूरे रघुकुल को सूर्य कुल को दुख दिया। सूर्य कुल रूपी वृक्ष का कुहाड़ा है कहके। दशरथ जी ने कहा था, जनित दिन कर कुल होशी कुठारी, कहकई तू सूर्य कुल की कुठारी मत बन, बन कर रहे। महाराज ने मना किया था वो उसने कर दिया। दशरथ जी के ऐसा वरदान मांगकर दिनकर वंश की कुठार बन मत बनो। लेकिन आज गुहराज ने प्रमाण पत्र दे दिया, भाई दिनकर बिटप कुठारी कुमति कीन सब तो राम जानकी को दुख दिया। फिर गुहराज कहता है, पूरे सूर्य कुल को दुख दिया, सूर्य कुल को तुमने छेदा काटा, और सूर्य कुल छेदा जाए तो पूरे विश्व को दुख हो जाता है, इसलिए तीसरे स्थान पर पूरे विश्व को दुख दुख दिया है। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि कैकई ने इतना दुख सबको क्यों दिया, सीताराम जी को दुख दिया, दिनकर कुल को दुख दिया, पूरे विश्व को दुख दिया, ये सब कैकई ने क्यों किया। बोले एक ही कारण है, कुमति की सब विश्व दुखारी, कुमति के कारण ये हुआ है। जहां सुमति संपति नाना, कुमति तहां विपत्ति निदान। कुमति ने पूरे विश्व को दुखी दुखी कर दिया। ऐसा आक्षेप करते करते गुह बोल रहा है, बाबा भयउ विशाल निशादही भारी राम सीय मही सयन निहार। शुरुआत में प्रेम के कारण उसको विषाद हुआ, अब गोस्वामी जी कहते हैं बोलते बोल बार बार उसको शयन पर दृष्टि जा रही है, बार बार प्रभु का भूमि शयन उसकी दृष्टि गोचर हो रहा है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं निषाद को बहुत भारी दुख हो गया, जीव हिंसक लोग उसको किसी की घटना देखकर दुख नहीं होता क्योंकि ये तो घातक लोग हैं। अब ऐसे जीव हिंसक घातक निषाद को
भारी विषाद हो गया। वो राम का शयन उसको कितना पीड़ित कर गया होगा, भारी दुख, भारी विषाद, बहुत जबरदस्त विषाद इस आदमी को हो गया है। कारण है सीताराम जी का भूमि शयन देख कर। बोले लखन मधुर मृदु वाणी ज्ञान विराग भक्ति रस सारी, ज्ञान विराग भक्ति रस सारी। इस भूमि पर गुहराज ने जब इतनी बातें लक्ष्मण जी के सामने रखी, तब श्री लक्ष्मण जी मृदु वाणी वाली कोमल शब्दों में, सरल शब्दों में, गुह समझे ऐसी बोली में, और मृदु वाणी फिर इसका अर्थ धीरे से, ताकि प्रभु की निंद में बाधा न हो। मृदु वाणी बोले, वो वाणी कैसी थी? ज्ञान विराग भक्ति रस सार, ज्ञान भक्ति और वैराग्य रस से सनी हुई, सटी हुई, अप्लावित हुई बोली श्री लक्ष्मण जी बोलने लगे हैं, जिसकी वक्तव्य में ज्ञान योग है, वैराग्य योग है, भक्ति योग है। तीनों की चर्चा श्री लक्ष्मण जी अब गुहराज के सामने आचार्य के रूप में, सदगुरु के रूप में, उसकी मोह निशा मिटाने के लिए हम सबको लक्ष्य करके श्री लक्ष्मण जी बोलने जा रहे हैं। इसकी चर्चा व्यासपीठ कल करेगी। आज यहाँ ही विश्राम, लेकिन यहाँ से उठे इससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरे रामा राम राम
आज की कथा यहाँ विराम लेती है। कल सुबह 9:30 बजे फिर आगे भाव से बोलिए। बोलिए राम चंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान